अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। और हमारे साथ हैं हुमैरा नाज, और हुमैरा नाज के साथ हैं, बताएं हुमैरा नाज आपके साथ कौन है? शेफ मुनीजा। इतना लेट कैसी शेफ मुनीजा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अब आप चाह रही हैं कि मैं भी यही कहूँ? बिल्कुल, आज हुमैरा नाज बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। शेफ मुनीजा भी डायरेक्ट अपनी कराटे क्लास से सीधी यहाँ पर आई है। हाँ है ना, बिल्कुल। क्या ब्लैक बेल्ट बनने का सोच रही है? हाँ, क्यों? जितने भी लड़के जो है ना तंग करते हैं ना खवातीन को, उन सब की पिटाई करनी है। एक तो ये आपको ही सब क्यों तंग कर रहे हैं भाई? अब क्या करें, एक हसीन लड़की जब रोड पे चलेगी जाएगी तो तंग तो करेंगे सब। नहीं बेस्ट बात, ये बेस्ट बात थी। सबसे पहले भाई हुमैरा नाज साहिबा माशाल्लाह उम्रा कर आई हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हुमैरा कहते हैं कि बहुत ही लाइफ चेंजिंग तजुर्बा होता है, ये कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत। मैं कहती हूँ कि वहाँ जाके आप वैसे तो टेंशन को भूल जाते हैं बिल्कुल ही, लेकिन वहाँ की दुनिया ही अलग है। वो ऐसा लगता है जैसे बस अल्लाह ताला वैसे तो नज़दीक होता ही है, लेकिन जब आप काबे को देखते हैं ना तो वो जो कहते हैं ना 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अल्लाह हमसे, तो वो माओ वाला प्यार वो उस वक्त सामने बैठो तो नज़र आ रहा होता है। पता चलता है कि ये अल्लाह ताला सामने है बिल्कुल, और हम जो मांगे, और वहाँ जाके ये बात है कि जो मांगो पूरा होता है। क्या बात है। और आप लोगों के लिए मैं ये बताऊँ कि मैं मतलब जिन लोगों से मैं भी इन लोगों से मेकअप रूम में बात कर रही थी कि जिन लोगों से अटैचमेंट होती ना तो सब याद रहते हैं। तो ख़ास तौर पे जब भी मैं हरम में बैठी होती थी तो TV1 के लिए मैंने ख़ास तौर पे टीम के लिए और TV1 के लिए दुआ की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हुमैरा। हमारे साथ ख़वातीन और हज़रात हुमैरा नाज है, शेफ मुनीजा है। थोड़ी देर में हुमैरा बताएंगी कि जॉइंट पेन को कैसे दूर किया जाए, और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप कॉल करके हुमैरा से उसका हल जान सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। हुमैरा नाज हमारे साथ मौजूद हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी बताने वाली है, और शेफ मुनीजा छुप के रेमेडी की चीज़ें खा रही हैं। नहीं गुलाब के फूल हैं, खुशबू इतनी अच्छी लगती है माशाल्लाह से, तो वो जो है मैं स्मेल कर रही थी, मैंने कहा एक गुलाब यहाँ खड़ा है और गुलाब के मुझे आप गुलाब प्लीज मुझे गुलाब गुलाब मत खा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता जी। नहीं, क्या गुलाब यूँ सूंघते हुए अच्छे लगोगे तुम। अच्छा बताइए क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं कुछ ड्रिंक्स बता रही हूँ। जो पहला ड्रिंक बता रही हूँ उसमें ये है कि रमजान आने वाला है, अभी तो ड्रिंक वगैरह ही मत करें आप। खुदा का खौफ। वो वाली ड्रिंक है जिससे आपके प्रॉब्लम्स दूर होंगे, आएंगे वो नहीं। भी ड्रिंक वही होती है, उससे प्रॉब्लम्स आते हैं जाते नहीं है। अच्छा, इसमें यह है कि ख़ास तौर पे ये जो मिट्टी के बर्तन है ना, मैं ये कहूँगी कि इसका इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि अब हम पीछे वाले दौर में वापस चले गए। कितनी अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, और ये मैं आपको ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ ख़वातीन और हज़रात, जब से मैंने अपने घर के अंदर मिट्टी के जो कूलर्स हैं वो इंस्टॉल किए, इतना ज़्यादा सेहत में बेहतरी आती है। आपकी ऑटोमेटिकली डाइजेशन, आपकी ब्रीदिंग, आपका नींद का साइकिल इतना बेहतर हो जाता है। एक छोटी सी चीज़, लेकिन उससे आपकी सेहत बहुत बेहतर होती है। हम लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक को तरजीह देने लग गए होते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। प्रमोट नहीं, तरजीह दे रहे होते हैं। यूज्ड टू हो गए ना आप उन चीजों के। उर्दू आता नहीं है वैसे, आता नहीं है, लेकिन जो वाकई मटके से या इस तरह के कूलर्स अब तो प्रॉपर आ गए हैं, तो उससे कहते हैं कि ना मैदे के जो अमराज होते हैं ना आपके, मैदा नहीं मैदा होता है, मैदे के अमराज जो है वो बहुत ठीक हो जाते हैं। और अब बड़े प्यारे प्यारे ग्लास, जग, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। अभी तो अगर आप जाएं जितने भी मिट्टी के जहाँ बर्तन मिल रहे होते हैं तो दिल चाहता है कि बंदा सारी चीजें ले ले। बहुत जगह मिलता है हैदराबाद। अब तो आराम से घरों के नीचे से बाकायदा वो रेडी लेके जा रहे होते हैं या हर जगह खड़े हुए होते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना। वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, खैर आपके सेगमेंट के अंदर मैं ऑल फॉल बातें कह रहा हूँ, लेकिन इतनी पते की बात है, सबको फायदा होगा। आपको पता है सड़क के ऊपर मैंने देखा खूबसूरत सा इतना बड़ा वो गमला टाइप नहीं, उसराई थी हाँ। उसमें ना आईने लगे हुए छोटे छोटे, ब्यूटीफुल, बड़ा खूबसूरत। उससे मैंने पूछा कितने का है, उसने कहा 1000-1200 का था। एग्जैक्टली वही चीज मैंने जाके एक दुकान में देखी मॉल के अंदर, हाँ, और वो सोचे कितने का था, 45,000। ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन? सेम सुराही, मैंने कहा ये किस सिरेमिक है, क्या है? उसका मिट्टी से बना हुआ है। बस सही है, अब ये बिजनेस शुरू कर देते हैं ना। अच्छा, इवन ये अब जो है ना क्रॉकरी में भी शुरू हो गया है सारा कुछ, कि आपकी प्लेट्स हो गई, जितने भी आपका डिनर सेट हो गया वो मिट्टी का बनना शुरू हो गया है। इवन मैंने हमारे पड़ोसी मुल्क की एक वीडियो देखी थी जिसमें फ्रिज भी बनाया गया था इसका, बगैर बिजली से चलने के वाला फ्रिज था वो, और उस वो मिट्टी से बना हुआ था और उसमें पानी चीजें सब ठंडी रहती थी, जबरदस्त। इसमें ठंडा रहिए, अल्कलाइन वाटर बन जाता है आपके लिए, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है आपके लिए। तो अभी जो मैं रेमेडी बताने जा रही हूँ, ये रेमेडी आपके मैदे के अमराज के लिए भी है, और आपकी जो ख़वातीन जितनी भी हैं इनको PCOS का प्रॉब्लम्स होते हैं, ये उनके लिए भी है, और ये डिटॉक्स वाटर भी है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल करता है, क्योंकि ये ठंडा होता है जिगर के लिए, ख़ास तौर पे जिगर का मामला आता है तो जिगर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हमने एक मिट्टी का प्याला लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, जो भी आप पानी पीते हैं वो थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, और इसके अंदर मैं ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ सौंफ, इसके अंदर चंद दाने मैं इलायची के डाल रही हूँ, छोटी इलायची के दाने हैं, ये चंद दाने मैंने इलायची के डाले हैं। ये है मुनक्का, जो कि मैं तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 मुनक्के के दाने डालें इस प्याले के हिसाब से, वरना आप 12 भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर प्याला बड़ा होगा और पानी ज़्यादा होगा। और थोड़ी सी मिश्री, अरे वाह, कूजा मिश्री मैंने इसमें डाल दी है। और ये आपके आ गए जी गुलाब की पत्तियाँ। ये करना क्या है, हमने इसको हमने मलमल के कपड़े से या कोई छलनी ऐसी हो, इसको ढक देना है और ऐसी जगह रख देना है जहाँ ओस पड़ रही हो, शबनम गिर रही हो। और आजकल तो बहुत शबनम गिर रही है जी, इसीलिए मैंने ये इस मौसम में ये रेमेडी बताई है। तो ये आपने उसमें रख देना है, जितना भी शबनम गिरेगा वो इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। सुबह आपने इसको अच्छी तरह मसल के छलनी में, चाय की छलनी में छान के ये शरबत पीना है, बहुत मज़ेदार शरबत होगा, क्योंकि ये मैं भी पी चुकी हूँ अपने जब शरबत शबनम बिल्कुल, बहुत अच्छा नाम दिया है। लेकिन अगर हुमैरा ये तो शबनम जो है वो ज़्यादातर ठंड के मौसम होते हैं, गर्मियों में क्या करेंगे? गर्मियों में आप रख दें ऐसे रात भर के लिए, भले से आप अगर चाहें तो बाहर रखें, लेकिन जो भी इसकी एब्जॉर्प्शन होगी वो आपके लिए वो भी काम करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। तो आपका जितना भी जो भी ये चीज़ें मैंने डाली हैं ये आपके जिगर के लिए, मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, हुमैरा यहाँ पे बता रही है बहुत मज़ेदार सी चीज़ें, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारे साथ हैं शेफ मुनीज़ा और हुमैरा नाज, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इससे आपको रेमेडी बता रही थी जी। अच्छा, मैं एक रेमेडी बता रही हूँ जिसमें आप लोगों को वो तमाम प्रॉब्लम, जिसको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने करना क्या है कि रात में आपने मेथी दाना लेना है तकरीबन 1 टीस्पून, कलौंजी लेनी है तकरीबन 1 टीस्पून, और 2 इंच का टुकड़ा लिया है मैंने दालचीनी का, ये आपने डालना है। और इसमें आपने पानी ऐड कर देना है, ये आपने रात भर के लिए सोक करने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तकरीबन ये 1 कप पानी इसके अंदर है। अच्छा, अब हम इसको पकाएंगे, अभी पकाने का टाइम ज़ाहिर है मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। जब आप सुबह देखेंगे तो ये सोक कर लेंगी सारी चीज़ें, थोड़ी सी फूल जाएंगी। आपने सुबह इस पानी को पकाना है, जब ये पानी आधा रह जाए तो ये पानी आपने छान के पी लेना है। आपका जोड़ों का दर्द, आपका जितनी भी इंटरनल गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, कहते हैं ना कि कलौंजी में आपका शिफा है मौत के अलावा, तो सारी प्रॉब्लम्स की ये हल है। तो आप कलौंजी का अगर इस्तेमाल अपनी लाइफ में करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को। और जो ख़ास तौर पे हम लोगों ने जो भी सर्वाइव किया कोरोना से, तो ये उसके लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि उन दिनों में मैंने तो रूटीन रखा हुआ था, जब से मेरी आदत बन गई है कि कलौंजी को इनटेक करना है। कलौंजी, मेथी दाना तो मेरा है इनटेक करने का, लेकिन दालचीनी मैंने इसलिए बताई है कि जो खास तौर पे जिन लोगों को जोड़ों का प्रॉब्लम है, दर्द का, तो वो उसके लिए ये। कलौंजी कोई भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है, लेकिन वो जो एक बात है कि सिर्फ 7 दाने। हाँ, अब ये तो मैंने पानी में पकाया है ना, तो इसकी तो जाहिर है कुछ कलौंजी छन के चली जाएगी, गिन के नहीं होनी चाहिए। वही बात आ गई चुटकी, जो कहती चुटकी भर, चुटकी भर, मैंने कहा चुटकी भर तो सिंदूर याद आता है, चुटकी भर सिंदूर, ये फिल्मों में सुना था ना पहले। अच्छा, अब कहती चुटकी भर खानी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, निहार मुंह ही खानी चाहिए, ये दिन में कभी भी खा लें, नाश्ते से पहले खा लें ज्यादा अच्छा, मतलब निहार मुंह ही। ये जो चीजें ना, ये वो हैं जो डाइनिंग टेबल पे मौजूद होनी चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि हमने ये चीज खानी है, वरना आप सारा दिन ढूंढते रह जाएंगे। कि आपको बताओ, बेहतरीन चीज होती है कि आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखें। हाँ, ड्रेसिंग पे भी रख सकते हैं, वो भी बड़ा है कि आपने तैयार होकर जब रोजाना निकलना है जिन लोगों ने, तो वो ड्रेसिंग टेबल पे रखें, बिल्कुल बेहतरीन है उसके लिए भी। अच्छा, एक रेमेडी मैं और बता रही हूँ, जिसके लिए अभी आपने गैस्ट्रिक के लिए भी पूछा था, जिन लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है, जिन लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है। वो सवाल पूछना चाह रहा था, ये फातिमा नईम साहिबा है, इन्होंने गुजरावाला से सवाल ये पूछा है, जो कि ऑफकोर्स बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। कह रही कि मैं कुछ भी ज़रा सा खाना खाती हूँ, मुझे एकदम से पेट बहुत फूल जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, जबकि मैं ओवरवेट नहीं हूँ, स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है मेरा, लेकिन कुछ भी ज़रा सा खाती हूँ तो पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। एक्चुअली ये वो लोग होते हैं जिन लोगों को खाना हजम नहीं होता और मैदे में कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक स्टार्ट हो जाती है, ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वो आपको ऐसा लगता है आपका सांस भी फूल रहा है, क्योंकि जब वो गैस्ट्रिक बढ़ के, ब्लोटिंग बढ़ के आती है तो वो आपके हार्ट की तरफ आती है। मेरा ये भी तो होता है कि कुछ लोग रोटी और गंदम से एलर्जिक होते हैं, बहुत से उन्हें पता नहीं होता, बिल्कुल नहीं, आप है ना नहीं पता होता कि गंदम से एलर्जी होती है, लेकिन वो खा रहे होते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ ना ये जो डॉक्टर से चेकअप कराने का जो सिस्टम है ना, ये है ही नहीं, किसी भी किस्म का टेस्ट कराने का नहीं है, बस सब चाहते हैं घर बैठे। हमें भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, घर बैठे उन्हें कोई ऐसा टोटका बता दिया जाए कि डॉक्टर पे जाना ना पड़े। तो भाई जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है आपने जाना है, वहाँ उनसे भी इलाज कराना है। अब जैसे कि ये मैं एक रेमेडी बता रही हूँ, जिसमें जो लोग ख़ास तौर पर डिहाइड्रेट हो जाते हैं, आपको उल्टी और मोशन शुरू हो जाते हैं, उसमें बहुत सारा बॉडी का पानी निकल जाता है, नमकियात निकल जाते हैं, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, आपने 1 ग्लास पानी लेना है, बॉईल करने के लिए पानी को छोड़ दीजिए, चंद पत्ते पुदीने के हैं ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, पुदीना ये पकता रहेगा, और इसके अंदर मैंने लेना है वही कूज़ा मिस्री जो मैंने उसमें ली थी, वो वाली रेमेडी में। इसको थोड़ा सा आहिस्ता कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच सौंफ का लिया है, चंद दाने मैंने छोटी इलायची के डाले हैं। अच्छा, ये जब पक जाएगा पानी, मिश्री इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, ये बहुत अच्छा ठंडा करके ये शरबत पीना है हमने, ये आपके मैदे और जिगर के लिए बहुत बेहतरीन है। ये ऐसे इतना मज़े का लग रहा है कि वो मिश्री और सौंफ और पुदीना जो है वो, और ये ऐसी चीज़ें ये घर में मौजूद होती हैं। कल हमारे घर में भी ये एक बच्चे को प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने फ़ौरन ये बना के दिया और एक जग बना के दे दिया कि ये ठंडा करके फ्रिज में रख दो, ठंडा करके पीते रहना सारा दिन, और वो जो क्रैम्स आ रहे थे और जो मोशन की शिकायत थी, वो सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। ये ऐसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, जैसे अगर आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, आपके ड्रिप्स चढ़ रही हैं, तो वो वाली चीज़ तो आप करिए, क्योंकि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पेशेंट को ये भी साथ साथ देते रहेंगे तो आपका देखिएगा कि फ़ौरन ही हल हो जाएगा ये मामला। बिल्कुल, और ये बच्चों को भी पिला सकते हैं, बच्चे बड़े सब पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। अभी मीडिया के हमारे हैं मुख्तार भाई होते हैं, उनके यहाँ शादी थी, तो मुख्तार भाई के यहाँ फैमिली आई हुई थी यूएस से, सबको मैंने ये वाले नुस्खे पे लगा दिया था कि आपके पेट सबके डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि बाहर से यहाँ लोग आते हैं तो सबके पेट अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सबको मैंने ये वाली रेमेडी दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारों को ये कारामद रही थी। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और ज़्यादा वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर उमर बट से, बेहतरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के #1 ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन से, डॉक्टर उमर बट, वर्ल्ड रेनाउंड ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन। कैसे डॉक्टर साहब? थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब मुझे आपसे हमेशा से एक बात पूछने का बड़ा दिल था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपसे लाइव पूछूंगा कि डॉक्टर साहब देखिए, जिस आई होस्ट दिस शो एवरी डे, मैं रोज़ाना एक शो कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर भी एक शो शुरू करने से पहले रोज़ाना मुझे एक थोड़ी सी एक नर्वसनेस होती है रोज़ाना, जबकि एक डेली का काम है। डॉक्टर साहब आपको सर्जरी से पहले होती है, माइनर सर्जरी से भी पहले हल्की सी नर्वसनेस या कोई सोच? जहरी बात है। दिस इज़ अ साइन ऑफ समवन हु रियली लव्स हिज वर्क एंड पैशनेट अबाउट द जॉब, इसलिए कि अगर आपके अंदर ये नर्वसनेस नहीं है तो आप कभी भी अवेयर नहीं होगे, अलर्ट नहीं होगे। ये आपके अंदर इसलिए पर्सनैलिटी है कि यू लव व्हाट यू डू, और जब आप अपनी काम से मोहब्बत करते हैं तो आप परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं, और परफेक्शन अचीव करने से पहले हमेशा बंदा नर्वस होता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। एंड यू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी नेचुरल। लेकिन डॉक्टर साहब जब आप सर्जरीज कर रहे होते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैंने ये डॉक्टर्स के मुंह से हमेशा सुना हुआ है कि यार सर्जरी से होगी, लेकिन फिर उसके बाद पेशेंट्स अपना ख्याल नहीं करके केस ख़राब कर देते हैं। दैट्स वेरी कॉमन। हाँ डॉक्टर साहब, इस तरह के पेशेंट्स को आप कैसे डील करते हैं? ये एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है। ज़ाहिर बात है, आप पेशेंट को काउंसिल करते हो सर्जरी से पहले कि सर्जरी के बाद ये चीज़ें नहीं करनी, लेकिन अगर पेशेंट आपकी बात नहीं सुन रहा और उसके प्रॉब्लम शुरू हो गई, जो मेरे साथ हो जाता है पेशेंट्स में, तो हम उसको फिर ओन करते हैं। ज़ाहिर बात है, मैं उन पेशेंट्स को निकाल नहीं देता कि नहीं अब तुम्हारा कसूर है, तुम चले जाओ। अब उसके एक दफ़ा कॉम्प्लिकेशन होने के बाद पेशेंट भी समझ जाता है कि मेरे साथ गलती हो गई, अब मैंने ज़रा ख्याल रखना है। आपने सिर्फ पेशेंट को काउंसिल करना है, यू कांट फोर्स पेशेंट टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। आपको पता है मेरे साथ, मेरे पैर में ना एक तकलीफ हो गई थी, मैं डॉक्टर साहब के पास दिखाने गया, डॉक्टर साहब ने देखा, मुझे बताया तुम ये करो यूँ करो, फिर एंड में डॉक्टर साहब ने एक बहुत पते की बात की, मुझे कहेंगे एक बात हमेशा याद रखना, यू आर नॉट 25 एनीमोर। डॉक्टर साहब ये बात ऐसे धाए करके मेरे दिल पे लगी। बट वी हैव अ कॉलर, मिस्टर इरफान फ्रॉम पेशावर, डॉक्टर साहब के लिए कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम जी। इरफान साहब क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, बताइए। डॉक्टर से मेरा ये सवाल है कि मैंने ऊंचा बोलिए, थोड़ी आवाज थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हेलो हेलो सर, मैंने स्टील किया था ऑफर। जी जी बोलिए। फिर आर्थोस्कोप दोबारा किया, वो फेल हो गया। अभी मेरा 5 मंथ हो गए, 5 मंथ वो मेरा पाँव जंप हो रहा है, मुड़ नहीं। इनकी 2 बार नी सर्जरी हो चुकी है। जी जी आगे बताइए इरफान साहब। अब मेरा पाँव जंप हो रहा है बहुत, जब बैठता हूँ दर्द उड़ता हूँ तो चलने में तकलीफ होता है, मेरा पाँव जंप होता है, दर्द बहुत करता है, जाम हो रहा है, चलने में तकलीफ हो रही है। देखिए इसके पीछे मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। एक ये कि पाकिस्तान के अंदर जब आप एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तो ज़रिए उसका स्टैंडर्ड वैसा अचीव नहीं कर पाते जो बाहर यूरोप के अंदर होता है, और उसके पीछे बड़े मल्टीपल रीजंस हैं, वी गो इनटू डिटेल। लेकिन अगर इसकी टांग अभी भी अनकम्फर्टेबल हो रही है, जर्क कर रही है, तो बेस्ट है कि इसको MRI स्कैन कराना पड़ेगा, ताकि हम MRI में देख लें कि जो लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्ट किया वो ठीक है कि नहीं, और फिर आई कैन सी दैम इन माई क्लिनिक, मेरे पास आ सकते हैं, मैं इनको देख लूँगा लाहौर में। अच्छा लाहौर में? जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी क्या लाहौर क्लिनिक का डेट्स है? लाहौर में मेरा शेड्यूल हमेशा अनाउंस होता है मेरे पेज पे, तो इट्स रेगुलर एवरी 2-3 वीक्स आई एम इन लाहौर फॉर 2 वीक्स, देन आई एम इन कराची। ठीक है इरफान साहब, डॉक्टर साहब का फेसबुक इंस्टाग्राम पेज आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर साहब कब लाहौर में है। डॉक्टर साहब सामत तो आप जाते हैं? नहीं, सिर्फ लाहौर कराची, ओनली लाहौर कराची। लाहौर तो लाहौर और कराची में डॉक्टर साहब होते हैं, आप जाके डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन कर सकते हैं। और ख़वातीन और ज़्यादा अगर आपको कोई भी हड्डियों से, जॉइंट से, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो आप कॉल करके डॉक्टर साहब से उसका हल जान सकते हैं। डॉक्टर साहब ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, बहुत सारी ख़वातीन हैं ज़्यादातर जो कि इसकी शिकायत कर रही होती हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर साहब एक तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसकी वजूहत क्या होती हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एक जो चीज़ बहुत कॉमन सुनी भी जाती है कि जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया होता वो ज़्यादा प्रोन होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ लेटर एज में। मे बी बट नॉट दैट लाइकली। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि है क्या। जी हमारी हड्डियाँ एक ज़िंदा चीज़ है, इट्स अ लिविंग ऑर्गन पोटेंशली, और हड्डियों के अंदर जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल वैसा है जिस तरह शहद का गुच्छा होता है, हनी कॉम। अगर हनी कॉम को एक इमेजिनेशन से आप देखें तो मल्टीपल छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। इस बॉक्सेस के साइज़ को बहुत बड़ा कर दें और बॉक्सेस की क्वांटिटी को कम कर दें तो क्या होगा, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। चूँकि गुच्छे इतने ज़्यादा हनी कॉम के, तो स्ट्रेंथ गुच्छे का जुड़ा हुआ है। अब उस छोटे छोटे बॉक्सेस का साइज़ को आप बड़ा कर दें, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। कि जब बोन की डेंसिटी वीक हो जाए और उसका आर्किटेक्चर, बुनियादें कमज़ोर हो जाएँ, इस चीज़ को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब एक सिंपल टर्म में कि हड्डियाँ खाने वाले सेल्स ज़्यादा हैं और हड्डियाँ बनाने वाले सेल्स कम हैं। इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस होता किन में है? सबसे ज़्यादा कोकेशियंस में, उसके बाद एशियन वुमेंस के अंदर, और सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है? पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, जिनकी अर्ली एज में पोस्ट मेनोपॉज हो जाएगा, उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क ज़्यादा है। इंटरेस्टिंगली इट इज़ कॉल्ड अ साइलेंट डिजीज़। साइलेंट मतलब कि कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। क्या पेशेंट को अचानक होगा? पैर की हड्डी टूट गई चलते हुए, खांसा, रिब्स टूट गई, खांसने से भी हल्की सी गिरी, इतनी भुरभुरी हो गई। अब आप इस तरह अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास 70 साल पुराना घर है और उसकी बुनियादें इतनी कमज़ोर हैं कि किसी ने हल्का सा हथौड़ा हमारा टूट गया, कंपेयरिंग टू ब्रांड न्यू हाउस। तो व्हेन द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ द इनर साइड ऑफ द स्टोन इज वीकेंड, दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। डॉक्टर साहब, ये हेरिडिटरी भी होती है? हेरिडिटरी भी होती है और ज़्यादातर कॉमन फीमेल्स में होती है, मेल्स में भी हो सकती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड यूज़ करते हैं 3-3 महीने, उनमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में बहुत कॉमन है। और डॉक्टर साहब, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, फिटनेस में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड, अगर वो स्टेरॉइड 3 महीने 4 महीने कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो उनमें भी रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क होगा। रिस्क है ज़रूर। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर साहब सियालकोट से आपके लिए कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? ठीक है जी। जी अमीर साहब थोड़ा सा ऊँचा बोलिए प्लीज़। जी सर कैसे हैं? ठीक है आप? जी जी बिल्कुल ठीक। क्या सवाल है आपका? सर मैं हाफिज अमीर हमजा सियालकोट से अर्ज कर रहा हूँ। पिछले साल मेरे घुटने में ट्यूमर हो चुका था, ठीक है। मेरी एज जो है इस वक्त 35 साल है, ठीक है। तो मैंने उसका ऑपरेट करवाया था लाहौर से, गंगाराम से। तो उसके बाद जो है ना मेरा घुटना बोन सीमेंट, उन्होंने उसको रिमूव करके आधे घुटने को बोन सीमेंट और स्क्रू लगाए हुए हैं। क्या मेरा पार्ट वो लग सकता है जो डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह ईजाद किया हुआ है कि आधा जो है नी रिप्लेसमेंट हो सकती है मेरी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, ये सब डिपेंड करता है कि जब उन्होंने आपका जोड़ में से हड्डी निकाली तो कितने लिगामेंट्स इंटैक्ट हैं। आप शायद बात कर रहे हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की, जिसके अंदर जोड़ के आधे हिस्से पे कवर लगाया जाता है। तो वो उस सूरत में हो सकता है कि अगर आपकी हड्डी के अंदर अभी भी वो सारा स्ट्रक्चर मौजूद है, वरना आपके लिए सूटेबल टोटल नी रिप्लेसमेंट या सेमी कंस्ट्रेंड नी भी है, जिसके अंदर हम पूरा जॉइंट तब्दील कर देंगे और आपका 15 से 20 साल नॉर्मल लाइफ गुजरेगी। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, जिसके अंदर मेरी तो एडवाइस ये होगी कि आपको प्रॉपर अपने एक्सरेज और सारी हिस्ट्री लेकर आना पड़ेगा ताकि हम देख के बता सकें, इसलिए कि आपका केस कोई सिंपल केस नहीं है जिसको हम सिर्फ टेलीफोन पर डिस्कस कर सकें। अच्छा सर, दूसरा ऑपरेट तो मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह चलिए मैं स्टिक के बगैर भी चलने के काबिल हो चुका हूँ, लेकिन घुटना मुकम्मल मूव नहीं हो रहा मेरा। तकरीबन 100 डिग्री तक मैं मूव कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मूव नहीं हो रहा। क्या मैं इसकी आर्थ्रोस्कोपी करवा के इसको मुकम्मल मूविंग की तरफ ला सकता हूँ? नहीं, आर्थ्रोस्कोपी आपकी मूवमेंट को मुकम्मल नहीं करेगा। आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी और हमें रीज़न देखना पड़ेगा कि नी बेंड क्यों नहीं हो रही। जब तक आप रीज़न आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कोई भी सर्जरी उसको बेंड नहीं कर पाएगी। तो जिस तरह मैंने आपको गाइड किया कि बेस्ट है कि आप आके एक दफ़ा रिव्यू करवा लें ताकि हम देख के बता सकें कि कॉज क्या है आपके नी बेंड ना होने की, इसलिए कि नी बेंड ना होने के कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं। सर सॉरी, मैंने 1 साल फिजियो बड़ी करवाई है, यानी जितनी तकलीफ झेल सकता था ना मैंने झेली है, बर्दाश्त किया, सुबह शाम मैंने फिजियो की है इसकी, लेकिन 100 डिग्री के बाद फिर बिल्कुल ये ब्लॉक होगी। फिर बड़ा तकलीफ होना मसला शुरू हो गया। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना आपके पास जरूर चक्कर लगाऊंगा जब आप रोड में आते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस की अभी आप जिस तरह बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मुझे एक बात बताया डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी को हो जाता है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल है क्या? स्लो डाउन भी है, रिवर्सिबल भी है। अब दुनिया के अंदर ऐसी मेडिसिन आ चुकी हैं जो आप यूज़ करते हैं जो बोन बनाती हैं, सो बोन फॉर्मिंग मेडिसिन, तो आप वो देते हैं। एविडेंस ने शो किया कि वो लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी डाइट करेंगे, वेट लॉस करेंगे, उनका ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम होता जाता है। अच्छा, कम हो जाए। और मेडिसिन से भी आप ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, खवातीन और हज़रात डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। डॉक्टर उमर बट हमारे साथ मौजूद हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर आज हम बात करें। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए किसी भी पेशेंट में जो लोग घर बैठे हुए? देखिए, सबसे पहले तो एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं डेक्सा स्कैन। वो डेक्सा स्कैन आप या तो कर सकते हैं हिप जॉइंट का या कर सकते हैं रिस्ट जॉइंट का। उस डेक्सा स्कैन का मकसद क्या होता है कि आप उस स्कैन के ज़रिए थिकनेस देखते हैं हड्डी के कॉर्टिसेस की, और उसको कंपेयर करते हैं एक पॉपुलेशन की एवरी एज के साथ। कि फ़र्ज़ करें एक 35 साल का आदमी है, उस 35 साल के आदमी की डेक्सा स्कैन में कितनी हड्डी थिक होनी चाहिए। अगर एक पॉपुलेशन के अंदर फ़र्ज़ करें 1 लाख लोग हैं तो उस 1 लाख का एवरेज निकालते हैं। अगर आपका उसके एवरेज से कम है तो यू आर प्रोन टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये है डायग्नोसिस का सबसे बेस्ट तरीका। सिम्टम्स जिस तरह हमने कहा, चूँकि साइलेंट किलर है, साइलेंट डिजीज़ है, तो अक्सर पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। पेशेंट चलते चलते हल्का सा गिरेगा, हड्डी टूट जाएगी। लेकिन जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके घर में अगर आपकी वालदा और बुज़ुर्ग अचानक साइज़ में छोटे होते जा रहे हैं या उनकी कमर टेढ़ी होती जा रही है, दीज आर ऑल्सो साइंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इसलिए कि वर्टिब्रा जो आपकी स्पाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स होने लग जाती है। अच्छा। जिस तरह बिल्डिंग कोलैप्स होती है। और आप नोट करेंगे कि आपकी अम्मी जो सीधी चलती थी, अब्बू वो टेढ़ा चलने लग गए, झुक के चलने लग गए। These are few signs you will pick up। हंचबैक जो कहते हैं, हंचबैक एब्सोल्युटली, कुब जो निकल रहा है, जो नॉर्मली आपने नहीं देखा कि यार मेरा वालिद बिल्कुल एज में कद में ठीक था, पिछले 3-4 साल से अब्बू झुक के चल रहे हैं और उनकी हाइट थी 5 फुट 10, अब वो लगने लग गए 5 फुट 6। ये दीज आर द विजिबल साइन। वो बोलेंगे नहीं कि उनको दर्द हो रहा है, लेकिन ये साइंस हैं जिससे आप पिक करते हैं। और फिर एकदम से पता चलेगा कि अचानक गिरेंगे और उनकी हड्डी टूट जाएगी, अचानक खांसेंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब बता दो, ऑस्टियोपीनिया भी कोई चीज़ है? हाँ। अब ऑस्टियोपीनिया का मतलब यह है कि बोन की डेंसिटी का वीक हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस से पहले का प्रोसेस ऑस्टियोपीनिया है कि अगर मेरा हड्डी, फर्ज करें फीमर की हड्डी, उसकी थिकनेस 8 मिलीमीटर है, तो वो अभी स्कैन करने से नज़र आ रहा है कि वो कितनी हो गई है, 4 मिलीमीटर। इससे पहले कि वो 2 मिलीमीटर हो, हमने पेशेंट को ट्रीट शुरू कर देना है। और ट्रीटमेंट क्या है? एक्सरसाइजेस, good healthy diet, stop steroids, stop smoking. Smoking has shown to have a very high risk of developing osteoporosis. और साथ में weight loss, ये सब चीज़ें। अब जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है उनको अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं यूके के अंदर भी, HRT जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा। उससे भी उनका ट्रीटमेंट होता है। और साथ में आप एविडेंस ने शो किया कि जो लोग 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी डेली यूज करेंगे उनके भी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम होगा, रिस्क कम हो जाएगा जी, विटामिन डी लेने से। जी। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कॉल अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। फरहत जदी बात को मुल्तान से। फरहत फ्रॉम मुल्तान। जी फरहत, बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, बात करनी है कि मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है और घुटने बड़े वीक हो रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। घुटनों में इनके दर्द रहता है, घुटने वीक हो रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है फरहत साहबा? मेरी 55। 55। अच्छा, देखिए आपका ज्यादातर कॉमन कॉज आपकी एज के अंदर जोड़ की जो चिकनी हड्डी है उसके घिस जाने के प्रोसेस को जो आर्थराइटिस कहते हैं वो हो सकता है। अगर आपको रात के टाइम दर्द होता है, अगर आपको नमाज पढ़ने में मुश्किल है, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप अपना फिजियोथेरेपी शुरू करवा दें, नंबर 1, ताकि आपका जोड़ सख्त ना हो। और उसके साथ एक्सरे करवा लें अपने घुटने के, और एक्सरे करके पता चलेगा कि आपके जोड़ की चिकनी हड्डी कहीं घिसी तो नहीं हुई। अगर चिकनी हड्डी कम घिसी हुई है तो हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिसको PRP कहते हैं, और अगर चिकनी हड्डी बहुत ज़्यादा घिस गई है तो फिर हम जोड़ के ऊपर कवर लगाते हैं जिसको नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अभी फिजियोथेरेपी करके अपने जोड़ को ज़रा थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दें, वेट लॉस करें, हल्की फुल्की पेन किलर्स खा सकते हैं, और अपना एक्सरे करा के मुझे ला के दिखा दें। और वो जो है ना तकलीफ होती है, नमाज पढ़ने झुक नहीं सकता मैं। नमाज तो ये टिपिकल साइंस हैं आर्थराइटिस के जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए। बहुत शुक्रिया फरहत साहबा कॉल करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, और आई थिंक नीज से 250 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस एवरी ईयर। That's the population of almost Pakistan. डॉक्टर साहब, आई थिंक यू द राइट पर्सन जिनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको पता है सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लक्स है हमारी लाइफ्स में। एक कायरोप्रैक्टर जी बहुत जगह देखते हैं जो खींच रहे होते हैं और टक टक आवाज़ें निकल रही हैं। क्या वो सही है हमारी बोन्स के लिए या मसल्स के लिए? वो साइंस क्या है? देखिए, एक मॉडरेशन के अंदर ठीक है। मैं भी खुद करवाता हूँ कायरोप्रैक्टर अपने जाके ट्रीटमेंट। कायरोप्रैक्टर का काम यह है कि वो एक बंद दरवाजे में एंटर होने से पहले नॉक करता है बस, और फिर दरवाज़ा खोलता है। मतलब ही जस्ट विल ओपन अप द डोर फॉर यू जस्ट बिफोर एंटरिंग, ही नॉक्स द डोर। तो ये काम है कायरोप्रैक्टर का, एक सिंपल टर्म में समझाने में। तो आपके वो जॉइंट्स जो बिल्कुल स्टिफ हुए हैं, दरवाजे सख्त हुए हैं, उनको थोड़ा सा वो रिलीज़ कर रहा है, लेकिन इसको रेगुलर नहीं कराना चाहिए। इस तरह मैं और आप सारा दिन खड़े रहते हैं, मैं सर्जरी कर रहा होता हूँ, आप खड़े रहते हैं, बैक स्टिफ हो जाती है, मसल स्पाजम हो जाते हैं। हाँ। तो कायरोप्रैक्टर उसको ज़रा रिलीज़ करेगा, लेकिन इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड, कोई हर आदमी नहीं बन जाता कायरोप्रैक्टर। तो ये बड़ा सोच समझ के आपने जाना है कि वो कायरोप्रैक्टर इज़ क्वालिफाइड, हैज़ गॉट दो स्किल्स टू डू दैट। इसलिए कि ये आपको इंजरी भी कर सकता है, ज़ोर से अगर कोई करे तो आपकी नेक में इंजरी या बैक में इंजरी हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जिनका जो स्पोर्ट्स में है या जिम जाते हैं, या जो यंग मदर्स हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस से हमेशा बचे रहें? देखिए, आपने एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हेल्दी डाइट, टाइम पे सोना, और हमेशा वो चीज़ें जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बढ़ा रही है रिस्क, उससे कम करना। क्या चीज़? जिस तरह भी डाइट, स्टेरॉयड ना लें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, हल्की सी भी खांसी होती है, मैंने देखा है डॉक्टर स्टेरॉयड देता है, वो स्टेरॉयड लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को घुटने में पेन होता है, स्टेरॉयड का सफ़ेद इंजेक्शन लगवा लेते हैं। आपने इन चीज़ों से अपने आप को रोकना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि स्लीप टाइम पर करनी है। इफ़ समबडी स्लीप्स 8 आवर्स अ डे प्रॉपरली, ही हैज़ गॉट वेरी मच बेटर एंड हेल्दियर लाइफ। शाम 7-8 बजे के बाद खाना ना खाएं, जस्ट डू नॉट ईट। हम लोगों की आदत है 12-12 बजे खाना खाते हैं, बिल्कुल सही है। 7 के बाद आपने खाना नहीं खाना, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बंद हो जाता है। आप नोट करें, जो इंसान शाम 7 के बाद खाना नहीं खाता, अगले दिन सुबह उसको कितनी भूख लगी होती है, कंपेयरिंग टू वो लोग जो रात 12 बजे खाना खाते हैं, किसी सूरत सुबह नाश्ता नहीं कर सकते। अजीब सी फीलिंग होती है, हार्ट बर्न होता है, तेजाबियत होती है। एब्सोल्युटली। सो 7 के बाद खाना नहीं खाना, 7 के बाद खाना नहीं। हमारे साथ है अंदलीब फ्रॉम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम अंदलीब जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरी एज 28 है, और मेरा जो दाएं घुटना है ना, उसमें काफ़ी मतलब कभी कभी पेन होती है। लाइक मैं जब चलती हूँ तो तब भी होती है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे वो टेढ़ा हो रहा है, मुझे फील भी होता है। मैंने दोनों को इकट्ठा जोड़कर ना टांगे सीधी करके भी देखा है, तो एक ठीक है और दूसरा जो है ना वो मेरा थोड़ा सा मुझे टेढ़ा टेढ़ा फील होता है। और जब मैं फोल्ड करके बैठती हूँ तो उसमें से एक छोटी सी आवाज आती है, जैसे कोई चीज अंदर से टूटती है या वो हड्डी तोड़ते हैं ना, इस तरह की छोटी सी बिल्कुल आहिस्ता से आवाज भी आती है जब भी बैठती है। देखिए तो ये जैसे वाकई वो टेढ़ा हो रहा है। हाँ, देखिए ये टेढ़ेपन को कहते हैं वायरसनी या वाल्गसनी। अल्लाह ताला ने इंसान की नॉर्मल घुटने वायरस में डाले में, मतलब हल्का सा वायरस का मतलब है इनर साइड पे, जो फुटबॉलर्स में होते हैं, अगर आपने देखा हो कि उनकी टांगें थोड़ी अंदर होती हैं। तो एक तो ये कॉज हो सकता है कि आप नेचुरली तौर पे एक साइड टेढ़ा इसलिए हो रहा है कि आपके नी जॉइंट के अंदर जो मेनिस्कस है, जो एक कुशन है जो घुटने की चिकनी हड्डी को घिसने से रोकता है, जिस तरह गाड़ी के बीच में कुशन होता है, अगर उसमें जख्म है, डैमेज है, तो जब आप नमाज की पोजीशन में बैठेंगे और टांग को बेंड करेंगे और सीधा करने की कोशिश करेंगे, वो जॉइंट के बीच में आता है और टक टक नॉइज करता है। इसको कहते हैं मेनिस्कल टेयर। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यंग फीमेल्स के अंदर, खास तौर पे हम लोगों के अंदर कल्चरली ये है कि हम चौंकड़ियां मार के बैठते हैं। और मैंने अक्सर पेशेंट्स की सर्जरी किया कि वो कहते हैं मैं चौंकड़ी मार के बैठा था और अचानक टांग लॉक हो गई। ये टर्म सुना होगा, मेरी टांग अटक गई। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके मेनिस्कस में टेयर हो। तो मैं आप चूँकि लाहौर में हैं तो बेहतर है कि आप MRI स्कैन करवा लें अपने घुटने की, और मैं जब आऊँगा मैं आपको देख के फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। और अंदलीब, डॉक्टर साहब के जो टाइमिंग्स हैं लाहौर में, वो डॉक्टर साहब के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे वक्तन फ़वक्तन अपडेट होते रहते हैं, आप जाके ज़रूर अपना चेकअप करा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू, थैंक यू, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। खवातीन रोज़ रात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। आपकी ज़हनी सेहत को बेहतर करने के लिए आज हमारे साथ हैं पूजा भट्ट, हमारे साथ है हुमैरा अफ़ान। अस्सलाम हुमैरा, कैसी आप? हुमैरा, आई एम श्योर यू गेट दैट अ लॉट। यस, है ना? यस, बहुत लोग पूजा में मिलाते हैं। इनफैक्ट शी इवन रिप्लाई टू माय इंस्टाग्राम कमेंट्स। आई वाज वेरी हैप्पी। आई जस्ट पूजा भट्ट, सही बताया। आई जस्ट मेंशनड अ कमेंट, यू नो, एंड आई वाज लाइक कहां कौन पड़ेगा हजारों के अंदर, एंड शी रिप्लाइड बैक एंड आई गॉट अटेंशन एंड वी चैटेड, सो आई वाज लाइक वाओ फाइनली। नहीं, शी इज लवली, मुझे लाहौर में मिली थी वो, एंड शी इज अमेजिंग, शी इज लवली, शी इज एज गुड एज यू, ये मैं कह सकता हूं। अच्छा हुमैरा, आज हम किस बारे में करें? आज हम थोड़ी सी एक सीरियस बारे में बात करेंगे, which is more about grief सौरो, बेरीवमेंट, गम एंड जब कोई लॉस होता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे ट्रीट करना चाहिए, या अगर कोई अगला भी उसको ट्रीट कर रहा है तो उसके साथ क्या चल रहा है. सो बेसिकली जस्ट अंडरस्टैंडिंग द साइकी बिहाइंड एनी लॉस. It could be a loss of a loved one, it could be a loss of a job, it could be loss of anything. So just make. लेकिन हमारा usually क्या होता है कि चूँकि आप एक psychologist हैं, मुझे usually क्या होता है कि लोगों को ना एक sense होता है नाकामी का, जबकि सब कुछ चल भी रहा होता है. मतलब उनकी जॉब भी चल रही है, वो काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेटल हैं, जो भी है, लेकिन एक वो एक नाकामी सी महसूस होती है. काफ़ी ज़्यादा जो ख़वातीन आपके सेगमेंट के लिए हमें मैसेजेस रिकॉर्ड कराते हैं, मतलब उनकी शादी भी है, 8-12 साल से शादी चल रही है, सब कुछ सही है, लेकिन वो एक खालीपन का एक एहसास है कि मेरे हस्बैंड हैं वो इतना ज़्यादा मुझे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, या यू नो इस तरह की चीज़ें. इसकी क्या वजूहत है? असर ये ज़रा लॉस से हटकर है, बिकॉज दिस हैज़ गॉट मोर टू डू विद योर सेल्फ वर्थ एंड योर सेल्फ इस्टीम. सो जिनको रियलाइज़ होता है शादी के 9, 10, 11, 12 साल बाद, either because of midlife crisis or whatever the circumstances are, लेकिन the fact is कि अगर आपका सेल्फ इस्टीम लो है, आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है, तो वो शुरू से ही वीक है और सिर्फ वो जाकर और ज़्यादा आई थिंक ऑब्वियस हो गई है और प्रोमिनेंट हो गई है विथ सो मेनी फैक्टर्स अराउंड. रूट कॉज है उसका. रूट कॉज येस इज दिस एम्प्टीनेस कि आपको क्लिंगीनेस, आपको टेंशन चाहिए, समझ नहीं आ रही लाइफ में क्या हो रही है. सो सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ वर्थ. अच्छा, हम बात करें कि अगर आपके पेरेंट या कोई लव्ड वन दुनिया से चला जाता है, या आपकी एकदम से कोई बहुत ही बिलावेड जॉब है, कोई चीज़ बहुत ही, आपने कोई बिजनेस बड़े दिल से शुरू किया, वो बंद हो जाता है, तो उसके ग्रीफ से आप बिल्कुल कैसे अपने आप को आज़ाद करें? या सो दैट्स व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे कि लाइक यू सेड, बिकॉज यू सी लॉस जो है, आप किसी चीज़ को खो दो, वो खाली इंसान नहीं होता, आपकी इज्जत भी जाती है, यू नो, चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट हो, आपकी ऑफिस के अंदर ऑफिस की जॉब भी जाती है, आपका रेपुटेशन स्टेटस भी जाता है, आपके यस लव्ड वंस भी जाते हैं, डेथ भी होती है. सो व्हेन यू से लॉस, इट कुड बी लॉस ऑफ एनीथिंग, नॉट जस्ट डेथ. सो व्हेन आई टॉक अबाउट इट, आई ट्राई टू कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स कि अगर लॉस है तो वो इंसान का भी हो सकता है, वो पैसों का भी हो सकता है, वो जॉब का भी हो सकता है, वो किसी यू नो स्टेटस लाइक आई सेड, ये रेपुटेशन का भी हो सकता है. तो इट कुड बी एनी लॉस एंड हाउ कैन यू कोप अप विद इट, या इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू इट, सो आपको पता है कि आपके साथ हो क्या रहा है एंड देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. ठीक है, तो उससे निकलें कैसे? हाउ टू गेट आउट ऑफ इट? हाउ वुड वी गो थ्रू द ग्रीफ साइकिल एंड देन वी कैन टॉक स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज देयर की स्टेजेस होती हैं. सो निकलना इज जस्ट बिल्कुल दी लास्ट स्टेज एंड इट्स वेरी इंडिविजुअल बेस्ड. मेरा शायद ग्रीफ साइकिल फ़र्क होगा, आपका ग्रीफ साइकिल फ़र्क होगा, किसी और का ग्रीफ साइकिल फ़र्क होगा. तो दैट डजंट मीन कि हम सबका कोपिंग मैकेनिज्म एक ही तरह का होगा. शायद 4 लोग का सेम हो, 4 का फ़र्क हो. सो इट्स वेरी इंडिविजुअल, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. ठीक है, आपको लगता है कि इसमें डेमोग्राफिक्स भी काउंट करते हैं? हर मुल्क के, हर जगह के लोगों का डिफरेंट होगा ग्रीफ साइकिल. यस, एब्सोल्युटली. लाइक यू नो, यू वर आल्सो टेलिंग मी भी थोड़ी देर पहले कि यू नो पीपल आर नॉट सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग बट हैप्पी फ्यूनरल, सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ समबडी इज गॉन बाय. तो आप डेथ को तो आप ग्रीव करते ही हो, आप कंडोलेंसेस करते भी हो, लेकिन आप जिसकी लाइफ पूरी अच्छी गुजरी है, आप उसको सेलिब्रेट भी तो कर सकते हो, उसको रिमेंबर भी तो कर सकते हो, यू नो, सेलिब्रेटिंग व्हाट ऑल देयर अचीवमेंट्स आर. अच्छा, ये ग्रीफ साइकिल है हुमैरा, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे आए. जी, ओके. So 5 stages. Kubler-Ross is a Swiss psychiatrist. ठीक है. And she's written a book as well. And she was going through the grief cycle. But then, obviously, चीज़ें बहुत लंबी होती हैं, stages ज़्यादा होते हैं. तो उसको better understanding of people. So Ross also, what she did was confined it into a chart and made it easier for understanding. So पहला stage जो हमारा होता है denial का होता है. कोई लॉस आ गया, ये नहीं हो सकता, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नौकरी चली गई, ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, शायद वो वापस आ जाए, शायद नौकरी वापस मिल जाए. तो पहला जो न्यूज़ होती है आपको किसी भी लॉस की, वो आपका डिनाइल होता है, आप अवॉइड करोगे. अच्छा, इसका पीरियड कितना होता है? ये सबसे, देखो, जब आपका लॉस होता है सबसे हाइट पर है, सबसे ज़्यादा ही है, तो दिस टेक्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम. सो अगेन इट्स वेरी इंडिविजुअल. यू कुड बी इन डिनाइल फॉर लेट्स से 2 days. I could be in denial for 20 days. So it's very subjective. But understanding कि हाँ हम denial में हैं makes it easier. इस stage पे इंसान बहुत confusion में होता है, shock में होता है, डर में होता है, अब क्या होगा, किसी की गॉड फॉरबिड डेथ हो गई तो अब हमारा क्या होगा फ्यूचर में, पैसे कहाँ से आएंगे, सपोर्ट कहाँ से आएगी, ये सब कहाँ से आएगा. सो ऑल दोज क्वेश्चंस आर इन योर माइंड, दैट्स व्हाई यू वांट टू डिनाई इट कि नहीं वो बंदा गया ही नहीं है, जॉब गई नहीं है, रिलेशनशिप टूटी ही नहीं है, पैसों का लॉस हुआ ही नहीं है, अगर ये हो जाए अगर वो हो जाए. सो यू समवेयर यू नो गिव योरसेल्फ फॉल्स होप्स एज वेल. सो सबसे ज़्यादा हाइट में आपका ये डिनाइल का स्टेज होता है, ठीक है. उसके बाद जब आप थोड़ा सा डिनाइल से निकलते हैं बिकॉज दैट्स अ वेरी इलेटेड स्टेज कि नहीं ये नहीं हो सकता नहीं हो सकता, थोड़ा सा फिर एक डिप आता है आपके मूड में और आपकी लाइफ में विच इज़ यू गो डाउन एंड दैट्स एंगर. देन यू फिर रियलाइजेशन आती है, फिर डिनाइल ख़त्म है, फिर रियलाइजेशन आ रही है और गुस्सा आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों ना था, अल्लाह ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरी ही चीज़ क्यों गई. सो दैट दिस एंगर, दिस एंगर टुवर्ड्स यू नो वट एवर रिलीजन यू फॉलो, टुवर्ड्स योर लॉर्ड, टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स पीपल. यस, लोग एकदम से अगेंस्ट हो जाते हैं, मतलब अगेंस्ट जो लोग मजहबी, अगर कोई लॉस होता है इस तरह का वो डिनाइल में तो जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो, उसके बाद फिर वो मतलब खुदा से ही नाराज हो जाते हैं बिल्कुल. और फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बिल्टअप होती रहती है बिकॉज समझ भी नहीं आता ना लोगों को, तो जो उनकी बॉडी के थ्रू गुजर है ये तो आज सबको पता चलेगा कि हम इसके थ्रू गुजर रहे हैं, गुजर तो सभी रहते हैं बट दे रियली कुडंट टर्म इट. सो व्हेन यू आर एंग्री यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड यू आर इरिटेटेड एज वेल. अब व्हाट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस कि लोग फ्यूनरल्स पे जब जाते हैं, थर्ड डे हो गया, फोर्थ डे हो गया, जॉब लूज हो गई, हफ्ता हो गया, कहते हैं बस भी करो ना, निकलो ना, बस अब मूव ऑन विद लाइफ, हो गया जो होना था. बट अगर आप एंगर की स्टेज में हैं, आप अभी भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, अभी भी एंशियस हैं, आप अभी भी आप यू नो एंजाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ऐसे बंदे को आकर बोलना बस करो यू नो खत्म हो गया, बस आगे निकलो, जिंदगी पड़ी है, दुनिया पड़ी है, उसका गुस्सा और बढ़ेगा. सो फॉर अस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई किसी लॉस के थ्रू जा रहा है वो किस स्टेज पर है, अपना तो स्टेज है ही है बट जो गुजर रहा है जिस स्टेज के थ्रू वो डिनाइल में है और वो वक्त लेगा निकलने, वो वक्त लेगा. तो किसी का भी आकर उसको बोलना और आगे से फिर हम क्या कहते हैं कि आपको नहीं पता और हमें नहीं बताओ, तो आगे से ऐसे ना वो तू तू मैं थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स वैसी शुरू हो जाती है. थोड़ा सा वी नीड टू गिव स्पेस स्पेशली इन द फर्स्ट टू स्टेजेस बिकॉज से हीलिंग टाइम, हीलिंग तो अभी तक आपकी शुरू हुई नहीं है. अच्छा, अभी हीलिंग नहीं शुरू हुई तो आप डिनाइल से सिर्फ एंगर में, गुस्से की तरफ है, यू स्टिल एंग्री कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बाकी भी तो दुनिया में लोग थे, मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी नौकरी के साथ क्यों हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ. अच्छा, मेरे जिस तरह बीमारी के स्टेजेस होते हैं इस तरह ही आपके सोल की बीमारी है ना, आई वोंट से बीमारी है बट इट्स अ रियलिटी, डिसऑर्डर है, इट्स अ रियलिटी. सो ये हम सबके साथ होता है और नोन तरीके से भी होता है, अननोन तरीके से भी होता है बट ये कि हमें पता नहीं होता हम किस स्टेज के ऊपर किधर जाता है. शायद कोई लंबा ही डिनाइल के अंदर बैठ जाए, शायद कोई डिनाइल से निकल के एंगर में लंबा रहे. सो आप जिस स्टेज में जितना टाइम रहोगे दैट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. सो यू कांट से लाइक आई सेड कि वो 2 दिन का है, ये 5 दिन का है, ये 6 दिन का है. अच्छा, कोई कहीं पे भी रुक सकता है, कोई कहीं पे भी रुक सकता है और फंस सकता है. खवातीन आज़ादी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्सेशन जारी है. हुमैरा हमेशा से हमें एक स्पीचलेस छोड़ देती है. वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद. Welcome back to the Morning Star. I am your guest, Humaira Affan, a psychotherapist, and I would love to introduce my very favorite host, Asghar Rehman, who's doing a fantastic job. Thank you. छोड़े छोटे क्या कुछ डिफरेंट हो जाए ना, आप हमेशा सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. वैसे मेरा ग्रीफ साइकिल प्लीज दोबारा लगा दें. ठीक है, यहां पे आ गया जी. हां, कमिंग बैक असफर, दिस इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, अच्छा दोबारा अगर क्विकली आप देखें कि मैंने सही पकड़ा. कभी भी कोई हमारे साथ लॉस होता है या कोई भी ट्रेजेडी होती है, सबसे पहले हम डिनाइल में होते हैं कि ये हो ही नहीं सकता और ये कैसे हो गया, इट्स इम्पॉसिबल. दूसरा फिर हम लोग गुस्से में चले जाते हैं कि यार ये मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, बिल्कुल मेरे साथ क्यों गलत हुआ, ना इंसाफी जाती मेरे साथ ही. तीसरा क्या, बार्गेनिंग. थर्ड इज बार्गेनिंग, व्हेयर यू स्टार्ट सॉर्ट ऑफ नेगोशिएटिंग विद योरसेल्फ और विद गॉड और विद पीपल अराउंड. ओके, स्ट्रगलिंग टू फाइंड मीनिंग, यू नो कि अच्छा जॉब चली गई तो अब मैं नमाज़ें बहुत पढ़ूंगी. अच्छा, अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं लोगों से ठीक से बात नहीं करूंगी, प्लीज़ मेरी जॉब वापस आ जाए. अच्छा, अगर मुझे फाइनेंशियल लॉस हो गया तो मैं शायद ज़कात देना शुरू कर दूँ, सदका देना शुरू कर दूँ तो मेरी जॉब वापस आ जाए. यू नो, दिस वे यू स्टार्ट बार्गेनिंग एंड यू स्टार्ट निगोशिएटिंग विथ योर सेल्फ, विथ योर गॉड, विथ समथिंग अराउंड कि आपका लॉस कहीं से वापस आ जाए. ये सही है क्या? इट्स अ स्टेज, यू नो, सही गलत हम नहीं बोल सकते, बट इट्स अ स्टेज समवेयर. फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक दफ़ा लॉकर की चाबी घूम गई थी, ठीक है, सारी ज्वेलरी उसमें थी. मैंने कहा अल्लाह ताला सॉरी, अब मैं लिख के प्रॉपरली ज़कात दूंगी. पहले मैं ऐसी वो देती थी, यू नो, अंदाजे से. अब मैं लिख के प्रॉपर करूँगी. यू विल नॉट बिलीव इट. बिफोर आई रीच्ड होम, लॉकर तोड़वा दिया, नया बनवा दिया. बिफोर आई रीच्ड होम, आई गॉट द कॉल फ्रॉम माई मदर कि पुरानी चाबी मिल गई. मैंने कहा अब तो हो गया, बट आई नीड टू स्टिक टू माई प्रॉमिस. सो यू नीड थिंग्स लाइक दिस एंड यू स्टार्ट बार्गेनिंग, यू स्टार्ट निगोशिएटिंग विद योर सेल्फ, विद गॉड, विद पीपल, विद समबडी कि यू नो काश बस मैं ये कर लूँगी, वापस आ जाए मेरी चीज़. सो ये आपकी बार्गेनिंग की स्टेज होती है. दिस इज़ द स्टेज यूजुअली. सो पहली स्टेज में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है. आप इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, ये हो गया, ये लॉस हो गया, ये एंगर है, कम्युनिकेट करो. Bargaining and depression are the two stages where you need the most emotional support. सबसे ज़्यादा आपको support की family से, लोगों की इन दो जगहों पे ज़रूरत पड़ती है, because आप अभी भी dip में ही है, सबसे ज़्यादा dip में है. Dip से निकलते वक्त थोड़ा सा depression में अब आने लगते हैं. अब हमारी acceptance आ गई है, ठीक है. Bargaining और depression के बीच में हमारी acceptance आ गई है कि हमारा loss हो चुका है, चीज़ जा चुकी है, बंदा जा चुका है, काम हो चुका है, ठीक है. तो इधर आपकी ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो कि अब मैं क्या करूं, अब मुझसे फंक्शन नहीं होगा, अब ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, अब वो तो चला गया, अब मैं पीछे क्या करूंगी, अब एक्स वाई जेड, नौकरी, पैसा, रिलेशनशिप, फियांसे, हस्बैंड, जो भी है, लॉस हो गया आपका. इस स्टेज पर अब हम क्या करें. सो सबसे ज़्यादा आपको इमोशनल सपोर्ट इधर ही है. कहीं पर आप थोड़ा सा गुस्सा भी होंगे, इधर दोबारा यूल गो बैक टू इट, वेर पीपल आर कमिंग टू हेल्प यू, इमोशनल सपोर्ट पे, यूल बी लाइक आई कांट डू इट, मुझसे नहीं हो रहा. सो ये वो स्टेज है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं. ये सबसे ख़तरनाक वाली भी स्टेज है, बिकॉज व्हेन यू गो इनटू डिप्रेशन एंड अगेन असफर, आपका जो शुरू में सवाल था कितनी देर, कुछ लोग डिप्रेशन में बहुत लंबा फंस जाते हैं और अनएबल टू कोप अप, जो आगे नहीं निकलते लाइफ में, नॉर्मलिटी की तरफ वापस नहीं आते, खाना नहीं खाएंगे, कपड़े ठीक नहीं पहनेंगे, डिप्रेस्ड ही रहेंगे, उनकी ज़िंदगी फिर ख़त्म हो जाती है. अब वो इससे निकल के इधर आ रहे हैं. लेकिन बेस्ट पार्ट इज़ डिप्रेशन के बाद. सो इफ़ आई आस्क यू राइट नाउ, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपकी तरफ ले जाती हूँ. आपने अपने एक्सपीरियंस में कितना देखा हुआ है इस ग्रीफ साइकिल में किसी को डिप्रेशन में बहुत लंबा फंसते हुए, या इससे किसी स्टेज पे? मैंने एंगर में देखा, एंगर में देखा है, ओके, कि गुस्से में बहुत अरसे तक लोगों को देखा है कि वो रहे हैं और वो गुस्से में रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. अच्छा, और ये जो गुस्सा है, हाँ, कभी कभी ये होता है हुमैरा के लोगों के ऊपर, उसको लोगों को रिस्पॉन्सिबल, कि तुम अगर अम्मी के साथ कर देते हैं, बिल्कुल, कि अगर तुम इनके साथ सही होते तो वो इस दुनिया से ना जाते, तुम उसके साथ सही होते तो जॉब ना जाती, और तुम लोगों ने मुझे यूज किया, और तुम, मतलब ये जो मैं, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट, दैट्स अ पॉइंट आई थिंक आई स्लिप, वेयर ब्लेम आता है और गिल्ट आता है कि काश पहले हम, गॉड फॉरबिड किसी को कैंसर हो गया और आपको पता है आप जा रहे हैं, काश हम पहले टेस्ट करा लेते, काश हम अम्मी को पहले दिखा देते, तुम दिखा देते, तो ये ब्लेम, काश उस वक्त हम घर ले लेते, उस वक्त मेरे पास पैसे थे, तो ये गिल्ट और ब्लेम बहुत आता है. एक्सीलेंट, दैट्स गुड. हाँ, सो एंगर यू फील ज्यादा दिखा है, मुझे लगता है एंगर, मैंने लोगों को देखा है कि वो यहाँ ज्यादा अटैच जाते हैं, और वो गुस्सा जो है ना, आई थिंक क्योंकि इस वजह से वो हाइपर ही रहते हैं, कोई भी बात होती है उनका एक मूड यही रहता है, जरा सी बात पे फ्लेयर अप हो जाना, फ्लेयर अप हो जाते हैं, जरा सी बात पे गुस्सा, बिकॉज़ डीप डाउन इनकी क्या ट्रिगर हो रही है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंजाइटी, गिल्ट, ब्लेम, रिग्रेट, ऑल ऑफ दिस इज गेटिंग रीट्रिगर्ड, और उसका जो एंगर बाहर निकलता है वो सिर्फ एंगर निकलता है, लेकिन नीचे गिल्ट है, ब्लेम है, शेम है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ हो रही है. तो ऊपर से देखिए रहा है, ओके, सो आपने एंगर में ज़्यादा देखा है. अच्छा, आई थिंक इन माई एक्सपीरियंस मैंने समवेयर आई थिंक एंगर एंड एक्सेप्टेंस की तरफ ही देखा हुआ है. So let's go to the next level then. अब डिप्रेशन आपकी हो गई, ठीक है, अब आप डाउन फील हो गए, आपने सैड फील कर लिया, हेल्पलेसनेस फील हो गई, देन यू स्टार्ट थोड़ा थोड़ा कमिंग बैक इनटू नॉर्मलिटी. मैंने डिप्रेशन में ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही खातून को ज़्यादातर देखा है, और वो कौन है, क्यूरियोसिटी, वो पता नहीं आप जानती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती. आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे तो डिप्रेशन में कोई नजर आता है आपको? बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, ने पता नहीं किसको देख लिया. लेकिन ये शेफ मुनीज़ा की जो अच्छी बात है, अगर मैं भी कभी डाउन होता है ना तो ये नॉक ऑफ करती है, भाई क्या हो गया भाई, जाके इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल, सीरियसली शेफ मुनीज़ा जितने लेट होती है ना, मेरी इमोशनल सपोर्ट वीक होती है, ओके, ये बात तो है. सो आइडेंटिफाई के बेसिकली बोथ ऑफ यू कुड बी ईच अदर्स इमोशनल सपोर्ट, कुछ भी इसमें से हो रहा हो. मुझे लगता है मेरा कोलीग्स होते हैं इमोशनल सपोर्ट, एब्सोल्युटली, एक दूसरे की, बट असफर कभी-कभार कोलीग्स डाउन भी उतना ही कर देते हैं, यू नो, वो तो नजर ही आता है सबको कि कौन किसको डाउन कर रहा है। एंड जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था ना, लोग क्या कहेंगे, समाज, फैमिली, कम्युनिटी, बस भी करो, इतनी डिप्रेशन की क्या बात है। हमारे साथ भी तो हुआ था, हम भी तो निकल गए थे 3 दिन में। मतलब इट्स नॉट योर जर्नी, ये जर्नी इंडिविजुअल की अपनी है। आप किसी और को बोल नहीं सकते कि बस करो, बिकॉज आप जल्दी निकल आए थे डिप्रेशन से, आपको एंगर नहीं हुआ था तो अगला भी निकले। सो प्लीज़ गिव द अदर पर्सन टाइम एंड स्पेस, उनको हील होने दो, बट विद द इमोशन। यहाँ हीलिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर आखिरी क्या है? यहाँ से इसके बीच में एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज जब आपने मान लिया है कि ठीक है, आपका लॉस हो चुका है, बंदा जा चुका है, नौकरी जा चुकी है, पैसे जा चुके हैं, स्टेटस, बिकॉज लॉस में मैं सब कुछ डालती हूँ, सब कुछ जा चुका है, तो अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है। इस एक्सेप्टेंस के साथ अब आप एक्सप्लोर करेंगे नई अपॉर्चुनिटीज़ कि ठीक है, अब मेरा लॉस तो हो गया है, अब मैं आगे क्या करूँ, हाउ डू आई मूव ऑन। ठीक है, सो व्हेन द एक्सेप्टेंस कम्स इन, अब आपको पता है कि फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है, मैंने डिनाइल, एंगर, बार्गेन, डिप्रेशन सब कर लिया, अच्छा बताओ अब क्या करना है, नाउ व्हाट शुड आई डू। दिस समटाइम्स कम फ्रॉम विद इन, दिस ऑल्सो समटाइम्स कम फ्रॉम गाइडेंस एंड डायरेक्शन। आई थिंक गाइडेंस एंड डायरेक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन वही लोग, क्वेश्चन है मेरा कि अक्सर हम एक्सेप्टेंस पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ चीजें आपको ट्रिगर कर जाती हैं और आप वापस से वहीं पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम एक्सेप्टेंस पे आके कभी वापस डिप्रेशन पे जाके वापस एंगर पे भी चले जाते हैं, लेकिन शायद हम डिनाइल पे ना जाए। कुछ डिनाइल तो नहीं है ना आपके, अब तो पता है कि हो गया लॉस। सो हम एक्सेप्टेंस से बहुत जल्दी डिप्रेशन और एंगर या बार्गेनिंग पे जा सकते हैं, बिल्कुल रिवर्स। इसीलिए उस वक्त आपको डायरेक्शन और गाइडेंस की ज़रूरत है एंड टाइम एंड स्पेस की ज़रूरत है, बिकॉज एक दफ़ा कोई इधर पहुंच गया है, उसका ये मतलब नहीं कि वो रिवर्स गियर नहीं मार सकता, बिल्कुल वापस जा सकता है। एंड वापस जाने के लिए आप बोलें कि अभी तो तुम ठीक हो गए थे, वापस डिप्रेशन में बैठ गए हो, फिर वापस सुनने। मेरा मुझे एक बात आप ये बताएं, सॉरी टू कट यू, लेकिन चेंज ऑफ प्लेस कितना काम आता है इसमें? That's a coping thing, that's an added benefit, but आप ये सब साथ लेके जा रहे हो, तो शायद जब आप वापस आओ change of place से, you may be reminded of the loss। देखिए जिस तरह बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी वर्क प्लेस में आप किसी से इमोशनली अटैच होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, they get married at their वर्क प्लेस विद कॉलीग्स एंड ऑल, कभी कभी इसमें ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं। ठीक है, आपकी वर्क प्लेस पे अब अगर नौकरी आप छोड़ दें, या आप वो शहर छोड़ दें, या वो जगह छोड़ दें, यू नो, एंड यू go to new company, it does help। आपने एक चीज़ देखी कि जब भी आपका लॉस होता है या जब किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है, हम क्यों चीज़ें देनी शुरू कर देते हैं समवेयर, बिकॉज वो एक्सेप्टेंस आ गई है कि ख़त्म हो चुकी जर्नी, अब ये सामान किसी और के शायद काम आ जाए। लेकिन जब आप डिस्कनेक्ट भी करते हैं ना, चीज़ें देने के बाद, जगह छोड़ने के बाद, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट से एक डिस्कनेक्शन आ जाती है। सो रादर देन रिमाइंडिंग योर सेल्फ ऑफ अगेन एंड अगेन कि मेरा लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, अगेन आई वुड से जिसका भी लॉस हो, it's a constant reminder। so जब आप कह रहे हो ना change of place, it's a change of environment, so that's healthy, that's positive। giving things away is positive, moving on, यही तो होता है ना, अब आपने पास्ट को ख़त्म किया एंड आप आगे निकले, वो जिस तरीके से भी हो, चाहे change of place हो, चाहे change of group हो, चाहे change of routine हो, चाहे वो अगेन लाइक ऐसे जॉब स्विच भी हो जाए, एग्जैक्टली, change of friends of group ही क्यों ना हो, change of your own perspective ही क्यों ना हो, but yes, the acceptance is the final stage where a lot of guidance and direction is needed, not just by self but आसपास। But again, I would say, जो आसपास वाले हैं, वो please take it lightly। You know, जो loss के through जा रहा है। ये होता है कि after acceptance आपको एक बहुत लंबा अरसा गुजर गया, ठीक है, और जो है मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूँ या थोड़ा लंबा अरसा गुजर गया और वापस से आपको कोई चीज़ ट्रिगर कर गई, फॉर एग्जांपल, लेकिन वो टाइम ऐसा होता है कि इतना लंबा गुजर गया, अब आपके पास कोई और है नहीं कि आप उससे डिस्कस करें, जैसे फॉर एग्जांपल गाइडेंस के लिए, तो आप उस चीज़ को ओवरकम कैसे करोगे? ठीक है, और ये हम जानेंगे ख़वातीन हज़रात ब्रेक के बाद। हुमैरा हमारे साथ है, शेफ मुनीज़ा भी अभी साथ है, और ये देखिए ज़ाती मसले हैं, नहीं क्या अभी क्या, बस चले एक ब्रेक लेते हैं, मतलब आपसे ये मॉर्निंग शो इवनिंग तक चल सकता है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी साइकोथेरेपिस्ट हुमैरा अफ़ान हमारे साथ हैं, और शेफ मुनीज़ा ने एक बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा था। ओके, सो या आपने जो मेरे ख्याल से सवाल दोबारा पूछे व्यूअर्स के लिए। अच्छा सवाल ये था कि जब आप एक्सेप्टेंस पे चले गए उस वक्त कुछ अरसा गुजर जाता है, कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, आप वापस से उसी पॉइंट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल एंगर है या व्हाटएवर डिप्रेशन है, तो ये होता है कि आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते अपने प्रॉब्लम्स ना फॉर गाइडेंस। तो आप अपने आप उस चीज़ से उस सिचुएशन से ओवरकम खुद कैसे करेंगे खुद से? फॉर एग्जांपल आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे लेकिन आपको खुद ही ओवरकम करना है। ओके, सबसे पहले तो आई थिंक आपने खुद ही वर्ड यूज़ कर लिया, ट्रिगर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, अ लॉट ऑफ पीपल गेट ट्रिगर्ड, यू नो। किसी की मदर की डेथ हो गई, वो किसी और की मदर की डेथ पे गए तो वो री ट्रिगर हो जाता है। एग्जैक्टली, द होल वूंडिंग पार्ट गेट्स री ट्रिगर्ड अगेन और आपके सामने पूरी वो मेमोरी फ्लैशबैक कर रही होती है आपकी अपनी। सो समवेयर यू गो बैक इनटू दैट डिप्रेशन वाला फेस एंड यू गो बैक इनटू द बार्गेनिंग एंड यू गो बैक इनटू मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो समवेयर गेटिंग आउट ऑफ दैट मे रिक्वायर लिटिल बिट मोर विल पावर। गाइडेंस के लिए कोई आपके पास नहीं, बट समवेयर आप अपनी खुद ही उस टाइम पे गाइडेंस कर सकते हो। इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ पेनफुल, नो डाउट, बट जस्ट रियलाइजिंग कि ठीक है, आई हैड एक्सेप्टेड इट, आई हैव टू मूव ऑन। समवेयर योर गाइडिंग लाइट विल बी दैट एक्सेप्टेंस पार्ट कि देखो आई हैव कम सो फार, I have done so much after my mother or after my other job or after the financial loss and I'm doing well. But when you get re-triggered, उस वक्त जो आपका जख्म एक खुरद जाता है ना वापस से, उसमें थोड़ा सा आई थिंक वक्त लगता है एंड समवेयर दोबारा। यस, एंड समवेयर आई ऑनेस्टली से गिव इट टाइम, गिव इट टाइम टू हील, बिकॉज जितने जल्दी आप उसको मरहम पट्टी करके सानी प्लास लगा के ऊपर से आगे निकल जाओगे, वो कहीं ना कहीं पट्टी उतर के दोबारा जख्म आपको देगा। For some people they get re-triggered very quickly with everything, with any loss, वो वापस उस स्टेज पे जाते रहते हैं। So somewhere this is where psychotherapy also helps because somewhere you talk openly। shame बढ़ा है ना बैठ के, अगर आपने किसी लॉस के बारे में बात करनी है और आपको गाइडेंस चाहिए, लोग आगे से फिर यही बोलते हैं यार इतना वक्त हो गया फिर तुम अभी तक उस चीज़ पे। So इसी चीज़ के खातिर people don't ask for guidance and support, तो वो अपने आप को दबा देते हैं। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ जो दबी रहती है मेरे ख्याल से वो और ज़्यादा खराबी करती है, और ख़राब होती है। बिकॉज एक तो जब आप नया नया ताज़ा ताज़ा होता है तब तो आपके पास इमोशनल सपोर्ट है, लोग हैं, बट मुनीज़ा ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब दोबारा आप वापस उसके ऊपर आते हो तब वो लोग अगर नहीं हैं आपके पास तो कोपिंग मुश्किल हो जाती है, वापस एक्सेप्टेंस लाना मुश्किल है। लेकिन इस पॉइंट पे आपने देखना है कि आपके करीबी दोस्त कौन है, नियर वंस कौन है, आपको इस टाइम पे किस चीज़ ने हेल्प किया था एंड यू गो बैक टू दैट ऑल्सो। अच्छा हुमैरा, मुझे एक बात बताए प्लीज़, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि ये जो उदास गाने हैं, जो सैड म्यूज़िक है या जो पुरानी तस्वीरें, मेरे ख्याल से ये आपको दोबारा उस जोन में ले जाते हैं। तो आपको बड़ा कॉन्शियसली अपने आपको हैप्पी सॉन्ग्स में, न्यू चीज़ों में इंडल्ज करना चाहिए। एब्सोल्युटली, एंड असफर ये बहुत ही कभी डेंजरस भी हो सकता है एंड दैट्स वेयर यू कैन गेट इनटू डिप्रेशन एंड स्टे देयर। अपने आप को रीट्रिगर कर करके रिमाइंड करा के कि मेरे लवर ने मुझे छोड़ दिया या मेरी शादी उसके साथ नहीं हुई और अब वो क्या कर रही होगी, तो हम अपने आप को इतना ओवर थिंक कर करके इसी फेज में फंसा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो कहते हैं ना मीठा दर्द, बड़ा अच्छा लगता है, वो अपने आप को दोबारा उस जख्म को दोबारा प्रेस करते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपको अपनी आपकी जो बॉडी है वो जोन में भी चली जाती है कि बॉडी को लगता है कि यार शायद ये इसमें सुकून मिल रहा है मुझे। हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अब बता नहीं क्यों हम लोग अपने आप को गम दे के या गम से गुजर के अपने आप को सुपीरियर क्यों महसूस करते हैं। बिल्कुल, बट आई वुड ओवर हियर ऑल्सो ब्रिंग दिस बैक टू यू एंड मे बी द ऑडियंस के ट्राई एंड कनेक्ट विद दिस साइकिल, ठीक है। एंड ऑफ द डे साइकोथेरेपी में यही होता है कि जब आप थ्योरी पढ़ाते हैं आप उससे भी कनेक्ट करते हैं। तो एज फॉर यू इफ आई आस्क यू, ठीक है, अ लिटिल बिट ऑफ शेयरिंग, हां प्लीज, वेयर डू यू, बिकॉज आपने कहा था हमने लोगों को एंगर में देखा, इफ आई आस्क यू वेयर डू यू फॉल एंड गेट स्टक? एक्सेप्टेंस में इमीडिएटली मुझे होता है अच्छा चलो जो होना था अब हो गया, अब क्या करना है, ये मेरा ये सारा जो है ना, हाँ, ये मैं शायद 2 दिन में खत्म कर लेता हूं एंड आई एम इमीडिएटली, यू नो, मुझे होता है कि जैसे जिस तरह प्लेडो नहीं होता, हाँ, प्लेडो को काटते हैं फिर जोड़ते हैं, वो दोबारा से जोड़ते बढ़ जाता है, उस तरह का मेरा बड़ा जल्दी फटाफट। इट्स लाइक मर्क्यूरी फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस, फॉर एनी लॉस एट ऑल। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी। सो योर कोपिंग मैकेनिज्म इज गुड, योर इमोशनल सपोर्ट इज गुड एंड यू समवेयर यू गाइड योरसेल्फ। आई थिंक उसकी एक वजह ये भी है हुमैरा कि मैं साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की सोबत में रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मैं अपने ब्रेन को खोलना, जानना, मेरे ख्याल से हम सबके लिए जरूरी है, वो मैं काफी हद तक कर चुका हूं। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी काफी खुद से होती है अपने बारे में सोचने के लिए। ग्रेट। ओके, ये चीज मैंने देखा कि जब शेफ मुनीज़ा, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ठीक है, काश हम हुमैरा को देर तक रोक सकते हैं, लेकिन हुमैरा के भी भाई माशाल्लाह बहुत सारे क्लाइंट्स और पेशेंट्स जो वेट कर रहे थे। हुमैरा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। माय प्लेजर। हम लोग लेते हैं खवातीन रोज़ात एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद शेफ मुनीज़ा के सवाल जारी रहेंगे। वेलकम बैक खवातीन रोज़ रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का, जो कि आज सुबह से कोशिश कर रही हैं कि हर किसी के सेगमेंट को हाईजैक करें, लेकिन ये होने नहीं दिया मैंने। हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा जी। और ये अभी हुमैरा, साथ ही हुमैरा अफान जो हमारी साइकोथेरेपिस्ट है, इतने सवाल। देखिए ये सवाल जो है ना, ये व्यूअर्स की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से नहीं है, उनकी दिल की बातें मैं कर रही हूँ, इस तरफ से थे वो। हाँ तो ये यूं नहीं था, वो ये सब यूं था, ये जहाँ से वहाँ था। अच्छा जी, हम बना रहे हैं आज हैदराबादी मसूर की दाल और चावल। कल आपने मुट्ठी भर कीमा खिला के मुझे बहुत आसान कर दिया, जो आज आप इसमें उतरे नहीं दोबारा। क्या करें, अब इस वक्त बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है, इतनी मजे की दाल बनती है, क्या हो गया। लेकिन खवातीन और हज़रात, हमने फैसला किया महंगाई के बढ़ते हुए इस दौर में, हमने, मैंने और शेफ मुनीज़ा ने, हम लोगों ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया है कि हम आप लोगों को बग़ैर चिकन, बीफ और मटन के इतनी बेहतरीन रेसिपीज़ यहाँ पर सिखाएँगे और बताएँगे, ताकि जो हमारी डिपेंडेंस है जानवरों पे, वो कम से कम होती चली जाए। बिल्कुल। एक देखिए, दिल जो मेरी, जो आपकी फीलिंग्स है वो मैं बयान करता रहता हूँ। गुस्सा तो आता है जब आप टेबल पे बैठते आज दाल है, आज टींडे है, आज तो गोभी का सालन है, आप कहते हैं भाई क्या बकवास, कब तक। लेकिन हमें ये महंगाई से लड़ना है। और मुझे पता है कहीं कहीं लगता है, मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बताऊँ, कल जस्ट बाय द वे मुझे किसी दोस्त ने कहा कि सुनो तुम वहाँ उस एरिया से जाके मुर्गी लो, वहाँ पे तो वहाँ पे सस्ती मिल रही है, वहाँ पे क्या मिल रही है। वहाँ पे जब मैं गया हूँ, थोड़ा सा इलाके का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे कितने की मिल रही थी आप सोचें बोनलेस चिकन, गैस करें, 1400 रुपये। अनबिलीवेबल। मैंने कहा 1400 रुपये, 8 बज गए 12 बज गए, मैंने कहा भाई 8 बज गए 12 बज गए, 1400 रुपये। शेफ मुनीज़ा, वो भी तो बहुत ही अजीब सी बात है। तो वो फ्रेंड को पता नहीं था कि चिकन के एक्चुअल रेट्स क्या है, प्रैंक था ये। ओह अच्छा, कैमरे को देख के हाथ हिलाए। अच्छा जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और इस तरह के प्रैंक्स बिल्कुल ना किया करें, आजकल दिल के अमराज बढ़ रहे हैं, दिल पे जोर आ जाता है, इस तरह के प्रैंक्स जो है वो दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। जी, आप क्या बना रही हैं? अच्छा जी, मसूर की खट्टी दाल बना रहे हैं। मैंने खट्टी दाल बना रही है। हाँ, हैदराबादी जो दाल बनती है। अच्छा, मसूर की दाल मैंने यहाँ बॉयल कर ली थी पानी के साथ, आपको पता है बॉयल कर लें इसको, 2 घंटा आपने सोक करना है, सोक करने के बाद आपने इसको बॉयल कर लेना है। बॉयल करते वक्त इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब आप हल्दी शामिल, तो वो दाल को जो है गलाने में हेल्प करता है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, ये तो मेरे पास ब्लेंडेड दाल रखी हुई है इस वक्त, मैंने तकरीबन जो है वो 250 ग्राम्स के करीब जो है वो दाल ली थी। अब जो है मैं इसके अंदर ये प्याज जो है वो शामिल कर रही हूँ, 1 प्याज मैंने स्लाइस कर ली है, ठीक है, वो उसके अंदर हम गोल्डन करेंगे, ठीक है। और इसके साथ जो है बॉयल्ड राइस बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। आपने क्या करना है कि चावल को आपने सोक कर लिया, सोक करने के बाद पानी बॉयल करने रखना है, पानी के अंदर आपने नमक शामिल कर देना है। उसके बाद जब पानी में जोश आ जाए, बॉयल आ जाए, तो आपने उसके अंदर राइस शामिल करने हैं। राइस शामिल करने के बाद आपने उसको इतना पकाना है कि चावल आपका डन हो जाए। डन होने के बाद आपने उसको छान लेना है। छानने के बाद, अच्छा, बहुत से लोग जो है ना हल्का सा उसमें ऑयल डाल के उसको दोबारा दम पे रखते हैं, तो अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर लीजिए, और अगर आप ऐसे ही राइस खाना चाहें तो आप वैसे भी खा सकते हैं, ठीक है। तो इस दाल के साथ बॉयल्ड राइस बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये प्याज जैसी ही हमारी गोल्डन हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे टमाटर इसके अंदर शामिल करूँगी, तमाम मसाले शामिल करूँगी। इसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी बना रहे हैं हम इस पर, वो भी हम साथ साथ जो है कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो ऑयल ले लिया, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी लहसुन। अच्छा, लहसुन जो है ना थोड़ा सा मोटा आपने रखना है, तो जो खाने में आता है बड़ा अच्छा लगता है चटनी के साथ, क्रिस्पी सा। हाँ ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर लहसुन शामिल करा, एक बंच ले लीजिए आप, उसको स्लाइस कर लीजिए, समझिए लहसुन की चटनी है ये। और इसके बाद ये जैसे ही गोल्डन होगा तो जो है मैं इसको अंदर, अच्छा मैंने एक टमाटर लिया उसको ब्लेंड कर लिया, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अच्छा, इसके साथ जो है ना मैं कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करूँगी, लेकिन लहसुन जो है ना हमारा थोड़ा सा गोल्डन हो जाए उसके बाद, ठीक है। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्ची आपने इतनी शामिल करनी है चटनी में जितनी स्पाइसी आपको पसंद हो, थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, इसको आप बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं लहसुन अगर चाहें तो, लेकिन जो थोड़ा सा जो बाइट करने में आता है तो वो अच्छा लगता है। असफर आज बड़े गौर से खामोशी से जो है वो देख रहे हैं ये रेसिपी, क्या बात है असफर, क्या सोच क्या रहे हैं आज दिमाग में चल क्या रहा है? बहुत ही हैरत अंगेज बात बताऊं, मैंने कभी भी दाल नहीं बनाई, कभी दाल नहीं बनाई, जबकि दाल सबसे ज़्यादा आसान है आपको पता है। अच्छा, दाल में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है। ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो गए। अब आप कब बना रहे हैं दाल ये बताएं? अभी सीखूंगा पहले। थोड़ा सा फ्लेम हल्का कर देते हैं ताकि ये गोल्डन हो जाए अच्छे। इसके अंदर हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे इसके साथ, खट्टी काली दाल है ना? हाँ काली, और खटास के लिए इस्तेमाल इमली का पल्प शामिल करेंगे हम, और इसमें साथ साथ ही मैं जो है ना वो टोमेटो डाल देती हूँ, वरना असर को खांसी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। हाँ वो मिर्ची डाली है ना, ये बन गई चटनी बस। जी जी, अब इसको चाहिए तड़के के लिए? नहीं नहीं, ये साथ में इसके खाएंगे अलग से, अलग से। जी ठीक है, इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। नमक, अचार भी तो खाते हैं लोग इसके साथ। अरे अचार दाल के साथ तो आप समझे, पापड़ है, अचार है, खट्टे आलू बहुत से लोग खाना पसंद करते हैं, फ्राइड जो है, चिप्स जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आज तो आलू नाराज होगा आपसे। हाँ आज आप भूल गई उसे ना? कोई बात नहीं, घर पे जाके बना लूंगी। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। अच्छा जी, ये डन हो चुकी है, इसमें मैंने नमक शामिल करा। अच्छा, थोड़ी सी अगर खटास चाह रहे हैं तो बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें एक नींबू का रस शामिल कर दूँगी। मिर्ची जो है असफर की तो नहीं, मेरे गले में चढ़ गई। ठीक है, बस ये डन हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत इजी चटनी है लेकिन बहुत मज़े की बनती है और बहुत डिफरेंट बनती है। ठीक है, ये गोल्डन होना शुरू हो गई है। प्याज हमारी यहाँ पे, इसके अंदर मैं टमाटर शामिल कर देती हूँ। मैंने इसके अंदर 2 टमाटर शामिल कर रही हूँ, स्लाइस किए हुए, आप बारीक काट लें जैसे आपको पसंद हो। और इसके अंदर तमाम मसाले शामिल करेंगे, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून। हल्दी हमने क्योंकि दाल में भी शामिल करी थी तो आप कम ही शामिल कीजिएगा बॉयल करते हुए। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ, 2 से 3 बारीक कटी हुई। ठीक है, और इसके अंदर जाएगा ये पिसा हुआ गरम मसाला, आपने शामिल करना है 1 टीस्पून के करीब, और धनिया और ज़ीरा पाउडर आपने 1 टीस्पून के करीब शामिल करना है। ठीक है, इसको आपने मिक्स कर लेना है। बहुत इजी क्विक बनती है और बहुत मज़े की बनती है। आज के लंच में ना आप लोग यही रेसिपी बना लें और ये इन्जॉय करें। आप लोग हमें अपनी वीडियोस भी बना के भेजें कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई करें। अच्छा, इस पर मेरे पास इनबॉक्स में मेरे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स आ रही होती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अक्सर मैं जो है वो लगाती भी हूँ अपने उस पर कि किस तरीके से लोग हमारी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं और इतने मज़े तरीके से गार्निश करके उसकी पिक्चर्स भेज रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग जब इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं और अपना प्यार देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसको कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, खुशबू अच्छी आ रही है। इसको थोड़ा सा आपने भूनना है ताकि टमाटर जो है वो बिल्कुल गल जाए। रायता भी तो खाते हैं लोग इसके साथ। देखिए दाल के साथ, दाल ऐसी चीज़ है इस पर लोग हर चीज़ इंजॉय करते हैं। दही भी खाते हैं बहुत से लोग, सैलेड है, कचूमर बना लिया उसको बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो काट के जो है उसको खाते हैं, और डिफरेंट तरीके के पापड़ आ जाते हैं वो। और जो आपको पता है दाल बनने के बाद उसके ऊपर कभी कभी लोग मक्खन की डली डाल देते हैं। हाँ तो डालते हैं, और ये ज़्यादातर पंजाब में होता है, और अक्सर लोग जो है ना देसी घी जो है वो भी उसके ऊपर डाल के खाते हैं, वो बहुत मज़े का लगता है। कभी आपने ट्राई किया? बिल्कुल जो देसी घी होता है जो प्रॉपर अगर घर का बना हुआ हो, या आपको पता है कि यार ये एक्चुअली रियल है, घर में मेरे बना है देसी घी, तो वो आपने कभी खाया? खाता तो हूँ, खाते हैं ना मैं, लेकिन मैं चमचा भर के खाता हूँ। अच्छा, वो ऐसे खा लेते हैं आराम से? अच्छा, बहुत से लोग नहीं खा पाते। देसी घी अगर आप ज़्यादा चीज़ों में शामिल करते हैं ना तो वो आई थिंक फैटनिंग हो सकता है। तो अगर आप छोटा चाय का चमचा लें और उसको आप खा लें, आप हफ्ते में 2 दफ़ा खा लें तो बहुत अच्छा है आपकी पूरी बॉडी। वो बहुत अच्छा। और देसी घी को ना पकाते हैं, आपको पता है मुझे देसी घी अब निकालना आ गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ देसी दूध आता है तो मैंने सोचा था कि हम शो पे सिखाएंगे वो ना, तो वो हर महीने में मलाई जमा करती हूँ और फिर जब बना लेती हूँ फिर याद आता है। जब वो मलाई जब भी जमा कर रहा होता हूँ वो जमा हो नहीं पाती है, आप खा लेते हैं, पापे पे लगा लेता हूँ बिकॉज मुझे लगता है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है खाने के लिए। बिल्कुल, सो डिलिशियस। तो देसी घी बनाना ना। और अगर आप लोग कभी घर में अपने चॉकलेट शेक या कोई भी शेक बना रहे हो ना, मलाई डाल दो, उसमें मलाई डाल दो। बिल्कुल, शेफ मुनीज़ा वो इतने मजे की जाती है। लेकिन उसके बाद फिर कम अज कम 45 मिनट आपको ट्रेडमिल पे भागना है। आप सिगरेट पीना बंद क्यों नहीं कर देती? हाँ। इतनी देर से खांसी, इतनी महंगी हो गई है वो भी। आपको कैसे पता महंगी हो गई? मेरे इर्द गिर्द के लोग पीते हैं ना, तो पता तो होगा ना। ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड जो है, वैसे अच्छी बात नहीं है, मैं उनको भी मना करती रहती हूँ, लेकिन पता है देखिए हर खबर पर नजर होनी चाहिए। सिर्फ शबीर को ही क्यों पता हो, हमें भी पता होगा। बिल्कुल सही कह रही है, सही है ना। अच्छा ये देखें, ये भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया, इसके अंदर मैं दाल शामिल करूँगी और साथ साथ ये दाल बहुत थिक हो गई है तो इसमें हम थोड़ा पानी भी शामिल करेंगे। ये थिक क्यों हो गई? इसको हमने ब्लेंड किया था ना, तो बिल्कुल कम पानी के साथ ब्लेंड किया था, इसलिए जो है ये थिक हो गई है। तो अभी हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जबरदस्त खबीर नजर। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदेद कहते हैं। वक्त हो जाता है आपको शानदार पाकिस्तानी से मिलाने का। हमारे साथ एक बहुत ही शानदार शख्सियत मौजूद है, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनकी ये बेटी है। अब ये नहीं कि मैं भी उन्हीं की एज का हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स आपके दोस्त कोई भी हो सकते हैं। अभी विद द मैग्निफिसेंट परिशा अदनान। कैसी परिशा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा ना। मैं तो मेरे दोस्त की ही बेटी, ये बात तो है, इसको मैं नहीं करना चाहूँगा, इस बात को डिनाई। खवातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में मजहबी आज़ादी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, अमरीकी स्टेट्स में भी, आप कहीं पे भी जाते हैं, कोई खवातीन है जो हिजाब पहनना चाहती हैं, जो नहीं पहनना चाहती हैं। पूरी दुनिया के अंदर मजहबी आज़ादी को लेके बहुत सारे मसाइल हैं, वक्तन फ़वक्तन ऊपर आते रहते हैं, लोग उसके बारे में बात करते हैं, नहीं करते। इनका एक बड़ा ज़बरदस्त समिट होता है जिसको IRF समिट कहते हैं, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट। परिशा उस समिट में गई और परिशा ने वहाँ जाके मजहबी आज़ादी के मुतालिक Washington DC में समिट में बात की। परिशा, हैट्स ऑफ टू यू। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, फैशन डिज़ाइनिंग से अपनी लाइन क्रिएट करने से इस तरफ ये शुरू कैसी, ख्याल कैसे आया करने का? असल में एक्टिविज़म की तरफ मेरा काफ़ी तवज्जो रहा है शुरू से। यू नो दिस एज़ वेल कि हम रेफ्यूजीज़ के साथ भी हमने काम किया है, हमने हुंजा में औरतों के साथ भी काम किया है। तो इन सारी चीज़ों को मद्दे नज़र रखते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो रिलीजियस फ्रीडम, मजहबी आज़ादी भी उसके साथ ही एक्टिविज़म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी, जो आई थिंक किसी भी ममालिक को तरक्की की तरफ लेकर जाता है। एंड इसमें बहुत सारी स्टडीज़ हुई हुई हैं, तो दिस इज़ वेयर इट केम फ्रॉम। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कभी भी आप इस बारे में बात करती हैं तो एकदम से एक मुखालिफ पार्टी भी होती है, एक बहुत ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बनता है, एकदम से लोग कहना शुरू जाते हैं तुम्हें बड़ा पता है जो तुम इस बारे में। लेकिन मुझे लगता है कोई भी ये कदम उठा रहा हो, एंड यू नो व्हेन आई सॉ योर स्पीच आई ओनली हैड ग्रैटिट्यूड एंड आई वाज सो हैप्पी दैट यू डिड दैट। कोई यंगस्टर जाके हमारे मुल्क से एक इतनी ज़बरदस्त बात करना है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। खवातीन और हज़रात, परिशा ने बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच की, हम उस स्पीच की आपको एक छोटी सी झलकियाँ भी दिखाएंगे ताकि आपको पता चले वहाँ हुआ क्या था। जब रेडी हो जाता मुझे प्लीज़ आप बता दीजिएगा। रेडी है? प्लीज़ चल के ये झलकियाँ देखते हैं। That leads to economic prosperity as well. In a paper that had recently come out in 2021, there was a large statistic correlation between economic prosperity, democracy, religious freedom, and women's rights as well. And I think that is how the youth is going to be shaping the future, whether it's in terms of art, prose, fashion, design. But I do think all of these factors are correlated, and that's how we should be moving forwards. Thank you. भाई परिषद के लिए तालियां होनी चाहिए। परिषद ये इतना इतनी थिन सी लाइन है इस चीज़ में कि लोग कभी कभी एक उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप बिलीफ को टारगेट कर रहे हैं या आप बिलीवर को। हाँ, क्या कहेंगे इस बारे में? बेसिकली जब एज अ यंग पर्सन जब आप यहाँ पर बड़े भी होते हैं तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होती कि वो लाइन है क्या। तो इट वॉज़न्ट अंटिल जब मैंने अब खुद पढ़ना शुरू किया इन चीज़ों के बारे में और मजहबी आज़ादी के बारे में पेपर्स पढ़े और ये सारी चीज़ें देखी। हमारे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड है रिलीजियस फ्रीडम, तो मैंने पता किया कि बेसिकली ये जो प्रोटेक्शन है ये बिलीफ की प्रोटेक्शन नहीं है, ये बिलीवर की प्रोटेक्शन है। कि आप किसी बिलीफ को ये नहीं कह रहे कि सही है गलत है, आप ये कह रहे हैं कि एक इंसान कोई भी बिलीफ को लेकर आगे चल सकता है, उन्हें प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। वो जो चाहे जिस तरह चाहे या ना चाहे हाँ, बिल्कुल सही। आपको पता है जब पाकिस्तान में क़याम में आया था तो कायदे आज़म की एक स्पीच का ये बहुत ही मेजर हिस्सा था कि अब जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में जाने के लिए आज़ाद हैं। ये मुल्क एक यकजा सारे मज़ाहिब के लिए बना था। लेकिन परिचय मुझे आप एक बात बताएं, चूँकि आप बहुत ट्रैवलिंग करती हैं, आप पूरी मुख्तलिफ़ ममालिक घूम चुकी हैं, सोशल वर्क आप ये कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो रिलीजियस आज़ादी लोगों को नहीं दी जाती इसके पीछे कोई एजेंडाज होते हैं? इसकी क्या वजह? होते हैं भी और नहीं भी होते, और कभी कभार इट्स लैक ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। कभी कभार ये भी होता है जैसे हम अभी कह रहे थे कि बहुत फाइन लाइन होती है कि आप बोल क्या रहे हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है मजहबी आज़ादी है, क्या हम उस पर अमल करते हैं? नहीं करते। really. हमारी मुझे लगता है कि बजाते खुद हमारे यहाँ भी नहीं, पूरी दुनिया में हमें लगता है दैट आई एम राइट। एक वो जो था ना दैट आई नो इट ऑल एंड हम अक्ल कुल हैं, आई नो इट ऑल और हम सही कह रहे हैं और यही है। हम कभी कभी कुछ बातों की तस्दीक भी नहीं करते। आपको पता है हमारी मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मज़हब को लेके हमारे वालदैन से आती है, बचपन से हमें वालदैन सिखाते हैं, लेकिन हम ये भी कभी रियलाइज़ नहीं करते कि वालदैन भी इंसान हैं, वो भी कभी कभी गलत हो सकते हैं। तो मज़हब को लेके कोई भी अगर आपके पास कंफ्यूजन हो या कोई भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती हो उसकी भी तस्दीक लाजमी है, उसको भी आपको जानना ज़रूरी है। परिषद जब आप जा रही थी इस समिट के लिए आपकी क्या थॉट्स थी उस वक्त? आप कितनी ज़्यादा पैशनेट थी, आप क्या सोच रही थी उस वक्त? मैं एक्चुअली काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही थी क्योंकि जब मैं प्रेप कर रही थी इस चीज़ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई जो पहले मैंने शायद उन पर इतना तवज्जो नहीं दिया हो। बट फिर जाते जाते बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सामने आई। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात किया, नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान बट चाइना से भी लोग आए हुए थे वहाँ पर, बहुत सारे ममालिक से लोग वहाँ पर इकट्ठे आए हुए थे, टॉकिंग अबाउट जो इनजस्टिसेस होती हैं माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, औरतों के अगेंस्ट, और ये सारी चीज़ें रिलीजियस फ्रीडम और लिंक कैसे करती है और इनके बारे में हमें डायलॉग किस तरह से खोलना चाहिए। तो इट वाज क्वाइट आई ओपनिंग कि ये चीज़ें हमें भी बात करनी चाहिए exactly. और ओन करना चाहिए exactly. अच्छा, समिट में और कौन कौन लोग थे? इत्तफाक से जो एक पैनल था वहाँ पर जहाँ पर मोहम्मद अली जो बॉक्सर हैं उनकी बेटी भी वहाँ पर थी और वो मुसलमानों के बारे में बात कर रही थी कि किस तरह इस्लाम को यूज़ किया जाता है अगेंस्ट सर्टेन प्रैक्टिसेस और किस तरह इस्लाम का नाम यूज़ किया जाता है टू सपोर्ट इनजस्टिसेस जो कि नहीं होना चाहिए। आई थिंक ज़बरदस्ती एक जो एक पॉन के तौर पे जो इस्तेमाल किया जाता है, मुझे तो लगता है इस्लाम को कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको इसके गिर्द exactly. बुन देते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे कभी कभी ऐसा महसूस होता है। मीडिया का भी पार्ट होता है कि वो किस तरह किस लाइट में उसे पोर्ट्रे कर रहे हैं और आगे किस तरह हम जा रहे हैं और लोगों के दिमाग में परसेप्शन क्या बनी हुई हो और उसको फिर तोड़ने के लिए हमें फिर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं कि नहीं, हम इस तरह नहीं हैं। एंड देयर सो मेनी पीपल जो कि उसके लिए लड़ रहे होते हैं कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट असल में है क्या। और आई थिंक वो फ्रीडम हर मज़हब का, हर किसी को इसका हक है। आप जिस तरह जो इबादत करना चाहें आपको उसका पूरा हक है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। परिशे हमारे साथ मौजूद है, मिलता है आपसे ब्रेक में। भाई क्या बात है, बैंड के लिए तालियां होनी चाहिए। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और शेफ मुनीज़ा क्या बना रही हैं आप? अच्छा सर, आपने एक चीज नोट की है क्या? जब भी कोई खूबसूरत लड़की आ जाए तो बैंड तो हमारा बहुत जोश में आ जाता है। hey, मेरे दोस्त की बेटी है ये, तभी से रहना मेरे दोस्त की बेटी। हम यहाँ रोज खड़े होते हैं हमारे लिए ऐसा म्यूजिक नहीं। सॉरी, मेरे लिए तो बजाते हैं, आपका नहीं पता। ये इल्जाम है वैसे शेफ मुनीज़ा, क्या बात कर रही है यार आप। लेकिन है जो भी था अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, मजा आ गया वैसे। हाँ। ठीक है ना जी। अच्छा जी, तड़का लगा रहे हैं अवस पर और जो है इसके अंदर हम जीरा शामिल करेंगे। अच्छा यहाँ आप ऑयल, घी, बटर, वोटेवर जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। घी और बटर का जो तड़का लगता है ना, अय है क्या बात है, मज़ा आ जाता है। तो इसके अंदर हम जो है 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, ठीक है। और इतनी मज़े की हमारे सेट पे आज खुशबू आ रही है दाल की। इस पर आप तो नहीं खाएंगे ना? क्यों? ठीक है दाल आप तो बटर मंगवा लें। बटर मंगवा लूँ, ठीक है। अच्छा ज़ीरा शामिल करा, इसके अंदर गोल मिर्ची शामिल करेंगे और थोड़ा सा ये जो है हो जाता है तो हम इसके अंदर जो है कड़ी पत्ता शामिल करेंगे, ठीक है। इसको तेज़ कर लेते हैं और साथ साथ हम इसके अंदर कड़ी पत्ता शामिल कर रहे हैं। जैसे इसकी खुशबू आ जाएगी तो हम इसका तड़का जो है दाल पे शामिल कर, ये देखें। और शेफ मुनीज़ा साथ साथ रेसिपी भी बता दें। अच्छा भाई, साथ साथ रेसिपी भी बता देते हैं हम। हमने क्या किया था कि मसूर की दाल ली, उसको हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद हमने जो है उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना हमने हल्दी शामिल कर दी थी बॉईल करते वक्त। जब वो बॉईल हो गया जो है तो हमने उसको निकाल के ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद हमने क्या किया कि एक पॉट के अंदर ऑयल लिया। ऑयल के अंदर हमने 1 प्याज शामिल करी, इसको गोल्डन कर लिया। फिर उसके अंदर 1 टमाटर शामिल करा, 7 मसाले शामिल करे जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च थी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च थी, चंद हरी मिर्चें बारीक चॉप हुई भी थी, हल्दी ½ टीस्पून थी, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून था, ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून था। और इन सबको हमने डाल के भून लिया। भूनने के बाद हमने जो ब्लेंड की हुई दाल थी वो इसके अंदर शामिल करी। जब दाल और वो थोड़ा सा पक गया उसके बाद हमने इसके अंदर इमली का पल्प 1 कप जितना वो शामिल करा। इमली आप इतनी शामिल करेंगे जितनी खटास आपको पसंद है, ठीक है। उसके बाद नमक आपने हस्ब जायका शामिल करना है। और उसके बाद आपने हमने ये जो तड़का लगाया है इसको आप इस तरीके से इसको तड़का लगाएं, चावल के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ आप पसंद करते हैं उसके साथ इसको एंजॉय करें। ज़बरदस्त शेफ मुनीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप खवातीन रोज़ा, जिस तरह अभी हम आपको बता रहे थे कि परिशा अदनान ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट में जाके बहुत ही शानदार स्पीच दी मजहबी आज़ादी के बारे में। एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपको तस्वीरें दिखाते हैं समिट की और परिशा से पूछते हैं, परिशा यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, वाओ एक्सेलेंट। परिशा की वैसे ये फिटनेस रिजीम अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ना तो आप भी बड़े फिट हो जाएंगे। जी आगे चलें। परिशा, आप वो यू कंफ्यूज, थोड़ी सी नर्वस थी समिट से पहले? यस डेफिनेटली, क्योंकि इतने सारे लोग अलग अलग मुल्क से आ रहे थे एंड इतने लाइक नॉट फेमस, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो थे, बट जिस लेवल के लोग थे वहाँ पर लड़ रहे थे जिन चीज़ों के लिए, आप भी अबूनी में शामिल हैं, कितनी अच्छी बात है ये। अच्छा ये कौन कौन लोग हैं? दैट्स योर मदर हुमा, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। और कौन कौन है ये? ये ऑन द राइट हैंड साइड ये अनीरा अली हैं, जो कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ वुमेन, मुस्लिम वुमेन अमेरिका में उनके राइट्स के लिए लड़ रही होती हैं। ये इंशाल्लाह सेनेट में एक दिन हम उन्हें देखेंगे। इनका यहाँ पर शी सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ यहाँ पर स्कूल्स एंड वुमेन्स एजुकेशन इन द एम्पावर्ड एरियाज। अच्छा ज़बरदस्त, चलिए जी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। वाओ ये बीच में दिस इज़ मोहम्मद अलीज डॉटर हु इज़ स्पीकिंग अबाउट ये मुसलमान एंड किस तरह इस्लाम को बुरी नज़र से देखा जाता है, किस तरह नहीं देखा जाना चाहिए। बाकी हमारे डेलीगेशन के लोग हैं पाकिस्तान से। एक्सेलेंट, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। फाइनली फैन मोमेंट का परिचय कहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इनका मज़हब भी थोड़ा अलग है। ये भी इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें, किस तरह यूथ को आगे आना चाहिए। नहीं प्लीज बोले। हाँ नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि नहीं, फिर पैनल के बाद फिर मैं गई एंड आई वाज लाइक प्लीज एक तस्वीर आपके साथ ली जा सकती है? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, लवली पर्सन, वेरी वेरी नाइस। लेकिन परिशा ये सबमिट करने के बाद ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी यू नो एज अ ह्यूमन बीइंग एक इंसानी तौर पे चेंज तो आता होगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बढ़ जाता है, आपके अंदर एक और अज़म आ जाता है कि मैंने इस चीज़ को मज़ीद आगे लेके जाना है, मतलब लोगों के अंदर ही एक जज्बा उजागर करना है कि एक फ्रीडम मज़हब का होना चाहिए। इस सिलसिले में आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान में कितना काम कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भी बहुत दफ़ा देखा गया कि इतनी आज़ादी नहीं है। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगी। मैं पहले यहाँ पर रहती नहीं थी, मैंने went to the UK, उसके बाद फिर मैं वापस आई और मैं एक ही चीज़ के लिए वापस आई और एक विजन था कि अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो उस चीज़ को लेकर जब सुबह मैं उठती हूँ तो वही मेरे दिमाग में चीज़ बार बार होती रहती है, कोई बात नहीं, नहीं होगा नहीं होगा, बात कोशिश तो करनी है। That's it. हाँ, कोशिश करते रहना इस बारे में। और ऑफ कोर्स जब भी कोई अच्छा कदम उठाता है हमें उस कदम को सराहना चाहिए। और ख़वातीन हज़रात, आप लोग जानते हैं कि मजहबी आज़ादी जो है ये एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से हमारे भी मुल्क में बहुत दफ़ा हम लोग इस बारे में सुनते हैं कि माइनॉरिटीज़ को सही तरह ट्रीट नहीं किया जाता, माइनॉरिटीज़ के साथ बदसलूकी की जाती है। हमें ये मजहबी आज़ादी लोगों के लिए, इस जज्बे को, इस सिस्टम को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का कोई भी मज़हब हो, कोई किस तरह भी इबादत करता हो, कोई भी बिलीवर किसी भी चीज़ का हो, आपको उसको वही इज्जत, वही रिस्पेक्ट और वही आज़ादी देनी चाहिए कि वो जो चाहे कर सके। बाकी आप जाने, आपका खुदा जाने, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप किसी पे भी कोई भी मज़हब मुसल्लत नहीं कर सकते। और शेफ मुनीज़ा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। और अक्सर जो है, क्योंकि ऑफकोर्स शेफ मुनीज़ा आप एक मदर हैं, आपके बच्चे भी हैं छोटे, और वो जब वो बड़े होंगे तो ऑफकोर्स उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए इस तरह। अच्छा, आप ये कि आप बच्चों के ऊपर भी मुसल्लत नहीं कर सकते हो। आप ये होते हैं कि जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो बच्चे खुद ही वो काम करते हैं। अब जैसे मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको वुज़ू करना नहीं आता, नमाज़ पढ़ने नहीं आती, लेकिन जब वो देखते हैं कि मैं या उनके बाबा जो है वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो खुद आ जाते हैं हमारे साथ। जा नमाज उनका छोटा सा क्यूट सा है तो वो बिछाते हैं और हमारे साथ खुद, मम्मा मैं भी आपके साथ नमाज़ पढ़ूंगा, या मम्मा मैं भी। तो वो जब आपको प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं ना, जबकि मैंने कभी भी नहीं कहा, ना उनके बाबा ने कहा, लेकिन वो हमें देख रहे हैं करते हुए। तो ये चीज़ है कि आप किसी के ऊपर मुसल्लत ना करें, चाहे बच्चे हैं, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपकी बहन है। क्योंकि ये होता है अक्सर, भाई जो होते हैं अगर वो तबलीग में चले गए तो वो अपनी बहनों पे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कर रहे होते हैं, या हस्बैंड वाइफ पे कर रहे होते हैं। तो कभी भी फोर्स करके ना आप मज़हब को फॉलो नहीं करवा सकते। वो बंदा उस वक्त तो कर लेगा लेकिन अंदर से वो नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा, और हो सकता है कहीं ना कहीं जहाँ उसको आज़ादी का मौका मिले। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स या कॉलेज गोइंग गर्ल्स वो घर से तो अबाया पहन के निकलती हैं, बट कॉलेज जाके वो अबाया भी उतर जाता है, अंदर से पैंट और शर्ट में वो निकल रही होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, वहाँ बंदा बागी हो जाता है। तो ये चीज़ जो है हमें सोचनी चाहिए, पेरेंट्स को भी, कि उनको प्यार से लेके और ख़ुद उसको करें तो वो बच्चे सीखेंगे। और आपका कोई भी मज़हब हो, आप अगर मुसलमान हैं, ऑफकोर्स पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन कोई भी मज़हब का शख्स यहाँ रहता हो उसको उतनी ही इज़्ज़त देनी चाहिए जितनी आप एक मुसलमान को देंगे। माइनॉरिटीज़ हमारे पाकिस्तान का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है। हर मज़ाहिब, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं। हम यही चाहते हैं कि सारे मज़ाहिब के लोग यहाँ बड़े आराम से और बहुत आज़ादी के साथ अपनी इबादत गाहों में जाएं, अपनी इबादतें करें और मिलजुल के एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएं। परीशा के लिए भाई तालियाँ, बेहतरीन इन्होंने काम किया है जाके। एंड परीशा, वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपका शो होने वाला है बहुत जल्द, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? इस दफ़ा कुछ अलग लेकर आएंगे, बस ये इतना ही कहना चाहूँगी। ज़बरदस्त। परीशा अदनान बहुत जल्द अपना एक शो करने वाली है जो कि इसी साल होने वाला है, अगले महीने, और उसकी भी ऑफकोर्स हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे कब हो रहा है और क्या हुआ था शो में, आपको ज़रूर दिखाएंगे। शेफ़ मुनीज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। परीशा, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए आपकी कोई भी राय हो, कोई भी मशवरा हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे द मॉर्निंग स्टार TV1 पे हमें DM करके बता सकते हैं। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, और यही अज़म लेके कि हम किसी ना किसी तरह आपकी ज़िंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन है ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़।